हेलो तो दोस्तों गुड इवनिंग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद कर रहा हूँ सबके सब बहुत अच्छे होंगे एकदम बढ़िया से आपकी चल रही तैयारी सब कर रहे हैं बढ़िया से काम एक बार फटाफट से आ जाओ यार लाइव एक बार शेयर कर दो आज का सेशन जो है सुबह मॉर्निंग में आठ बजे ना होके इवनिंग में आठ बजे हो रहा है दोस्तों कारण ये है कारण बस मैं क्या ही बताऊ आपको कारण क्या है क्या नहीं है कारण को छोड़िए पर आ जाइए फटाफट से एक बार लाइव सो so, एक बार शेयर कर दो यार ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है पता चल सके उनको कि यार क्लास अपनी हो रही है बाकी बहुतों को पता नहीं होगा अभी कि क्लास अपनी शाम में इवनिंग में है सो so, मैं नहीं चाहता आप लोगों का लॉस हो इसलिए मैंने मॉर्निंग की क्लास को इवनिंग में शिफ्ट कर दिया था कोई बात नहीं जल्दी से देख लेंगे क्या क्या है न्यूज क्योंकि आज का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और आज का क्या करंट अफेयर तो सर हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज करंट अफेयर में से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है और करंट अफेयर के साथ साथ अपने को पढ़ना पड़ता है क्या दोस्तों उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ करंट अफेयर जो है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सो लेट स्टार्ट द करंट अफेयर टूडेज करंट अफेयर तो आज का करंट अफेयर जो है इसको मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों सो आज है तारीख हमारे पास ऑफ अक्टूबर चौदह अक्टूबर आज के करंट अफेयर में क्या क्या है हमारे पास लेट्स हैव अ लुक सो यूपीएससी सीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सुमित टेन मेरा कोड है इस कोड का आप यूज करेंगे टू गेट द टेन परसेंट ऑफ ऑन एन अडमी दोस्तों अन अकेडमी आपको दो प्लेटफॉर्म जो है अभी वर्तमान में उपलब्ध करा रहा है तो पहला प्लेटफॉर्म जो है ना वो है यूट्यूब प्रोग्राम यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको नंबर ऑफ चैनल देखने को मिल रहे हैं जैसे चैनल हमने देखा था 101। उसके बाद हमने चैनल देखा कौन सा दोस्तों मैप वन वन दोनों आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए दोस्तों एक बहुत जल्दी तीसरा धमाका भी होने वाला है अभी ठीक है सून यू आर गोइंग टू सी द थर्ड बिग अनाउंसमेंट तीसरी बड़ी अनाउंसमेंट भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी है ना जल्दी से मैं तीसरी अनाउंसमेंट भी आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है इसके साथ-साथ दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हो कहां आप पर अनअकैडमी ऐप के ऊपर अनअकैडमी ऐप पर आपका आपको मेरे से जुड़ना है सो तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर क्या चलता है यहां पर चलती है दोस्तों हमारी स्पेशल क्लास यहां पर चलती है दोस्तों अनअकैडमी की क्विज और यहां पर चलते हैं दोस्तों हमारे प्लस कोर्स ठीक है दोनों फ्री होती हैं आपके लिए और प्लस कोर्स जो होते हैं दे दे आर आर पेड एंड द हाईएस्ट एवर। तो अगर आपको लगे कि जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ेंगे उनसे पहले यूट्यूब पे है ना उसके बाद आप पढ़ेंगे कहां पर उसके बाद आप स्पेशल क्लास करो क्विज करो और फिर अगर आपको ये लगता है इन हार्ड यू फील कि भाई इन एजुकेटर के साथ जुड़ के मेरा कुछ हो सकता है मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं दोस्तों देन वी वेलकम यू टू ज्वाइन दी प्लस आप जुड़िए मेरे साथ जुड़िए एन अकेडमी के टॉप एजुकेटर के साथ बाय यूजिंग द कोड सुमिटेन याद रहे कोड आपका क्या रहेगा दोस्तों कोड रहेगा सुमिटेन सुमिट टेन इज द कोड यू हैव टू यूज फॉर दैडमी सब्सक्रिप्शन सो लेट स्टार्ट विद्यू विद करंट अफेयर तो ये अपने ऑलरेडी कोर्सेस हैं जो ऑलरेडी वहां पर लाइव है प्लस के ऊपर कोर्स है बायोडावर्सिटी का उसके बाद करंट क्लाइमेट चेंज विद करंट अफेयर ये भी कोर्स है वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स है इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है इकोलॉजी का कोर्स वहां पर है सो सब कोर्स को आप अटेंड करोगे यूजिंग द कोड सुमिट टेन कोड आपका एक ही रहेगा दोस्तों कोड क्या रहेगा सुमित टेन आप सुमिट टेन का इस्तेमाल करके सारे के सारे कोर्सेज को क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं पहली न्यूज आज की दोस्तों गुजरात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट देखो यार गुजरात फेमस है दंगों के लिए जो गुदारा कांड जिसको हम बोलते हैं दंगों के लिए गुजरात जो है बहुत फेमस है है ना तो गुजरात में हिंदू मुस्लिम या अन्य कम्युनल रिजॉर्ट्स जो हैं वो समय समय पे होते आ रहे हैं और होते रहते हैं तो ऐसे में वहां पर एक अलग से कानून पास किया गया जिसका नाम है डिस्टर्बड एरिया एक्ट डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत में जो वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास में कुछ स्पेशल अथॉरिटी होती है कुछ विशेष पावर होती है ताकि कम्युनल पोलराइजेशन ना हो सके है ना हिंदू मुस्लिम ये जो सांप्रदायिकता है वो ना फैले साथ ही साथ में भविष्य के अंदर ऐसे दंगे ना हो सके इसके लिए गुजरात की स्टेट असेंबली ने आपके पास किया क्या पास किया उन्होंने दोस्तों गुजरात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट इसे एरिया इस डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत एज एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स जो हैं आपकी दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को उन पावर का इस्तेमाल करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट अथॉरिटी किस परपज के लिए दोस्तों ताकि भविष्य में ऐसे दंगे ऐसी समस्याएं ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सर आज आप क्या बताने वाले मैं आज आपको ऐसी कुछ चीज के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों अब ये जो गुजरात का डिस्टर्ब एरिया एक्ट है ना दोस्तों इसके अंदर में कुछ लूप होल्स हैं कुछ आपके लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स का फायदा लोग उठा रहे हैं है ना और जिससे चांसेस हैं कि दंगे दोबारा भड़क सकते हैं कम्युनल पोलराइजेशन दोबारा से हो सकता है तो बहुत सारे सिटीजन और एमएलए की डिमांड रही है दोस्तों समय समय पर कि जो डिस्टर्बड एरिया एक्ट है गुजरात उसके अंदर में कुछ संशोधन किए जाए संशोधन करके उसमें कुछ बदलाव किए जाए और उस चेंजेस के साथ में इस कानून को एक बेहतर कानून बनाया जा सके कौन कौन से चेंजेस की बात हो रही है मैं बात करूंगा आपसे है ना तो जल्दी से देखते हैं दोस्तों गुजरात डिस्टर्ब एरिया एक्ट फटाफट देख लो दोस्तों जीएस पेपर टू से संबंधित है सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर राज्य और केंद्रीय विधान पालिका से संबंधित है मुद्दा क्या है न्यूज क्या है आप मेरे साथ देखने वाले हो टेंशन की कोई बात ही नहीं है दोस्तों आ जाइए फटाफट से गुजरात डिस्टर्ब एरिया एक्ट कॉन्टेक्स क्या है बिल टू अमेंड द एक्ट वॉज ब्रॉट इन आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ द कंप्लेट्सर रिसीव फ्रॉम द एमएलएस एंड अदर पीपल समझना मेरी बात को बहुत सारे लोगों ने दोस्तों इसकी डिमांड की थी बहुत सारे लोगों ने इसकी कंप्लेंट की थी कंप्लेंट क्या थी डिमांड क्या थी कंप्लेंट ये थी कि ये जो बिल है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है इससे संबंधित बहुत सारी शिकायतें यहां तक अभी तक हमें मिल रही थी शिकायतें यही थी कि लोग इसमें लूपहॉल्स हैं लूपहोल्स का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे जो आपकी कम्युनल पोलराइजेशन जो है सांप्रदायिकता जो है वो फैल सकती है और जिससे दंगे दोबारा से भड़क सकते हैं लगातार ये डिमांड आ रही थी कि इस बिल के अंदर इस इसके अंदर प्रावधान करो इस कानून के अंदर चे, 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 चेंजेस करो इसको संशोधित करो और उसी संशोधन की दृष्टि से उसी दृष्टिकोण से अब एक नया प्रावधान यहां पर उनमें चेंजेस करने की यहां पर बात हुई है सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट होता क्या है अशांत क्षेत्र अधिनियम क्या होता है सबसे पहले ही समझना पड़ेगा है ना तो जैसा मैंने बताया देखो यार कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कम्युनल पोलराइजेशन के लिए मतलब ज्यादा प्रोन होते हैं जिनमें संभावना ज्यादा होती है कि कम्युनल पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है जैसे अयोध्या ठीक है राम मंदिर के ऊपर वहां कम्युनल पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है ठीक है और यूपी के अंदर अभी दंगे वेदे हिंदू मुस्लिम के कौन सा एरिया था यार वो सहारनपुर ये एरिया हो गया गुजरात का एरिया हो गोदारा के अंदर 2002 में सभी को पता है क्या हुआ था तो, तो ऐसे कुछ एरियाज हैं आर वेरी सेंसिटिव और जहां पर सांप्रदायिकता फैल सकती है और उन सांप्रदायिकता के कारण आपकी हिंसा हो सकती है प्रबल प्रवृत्ति है हिंसा फैलने की और हिंसा के कारण आपका आपको पता है दोस्तों कितना जान और माल का नुकसान होता है सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो और इसीलिए सरकार जो है क्या पास किया डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो है सरकार ने पास किया तो दोस्तों अंडर दिस डिस्टर्ब एरिया एक्ट अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन नोटिफाई अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ सिटी और टाउन एज अ डिस्टर्ब एरिया देखो इस एक्ट के तहत ना इस एक्ट के तहत में क्या प्रावधान है दोस्तों इस एक्ट के तहत में यह प्रावधान है कि जो आपका डिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आपके एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके स्टेट के अंदर आपके एरिया के अंदर मतलब अंडर दिस डिस्टर्ब एरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन नोटिफाई अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ सिटी और टाउन एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह अधिकार है कि जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर के किसी भी एरिया को किसी भी क्षेत्र को क्या डिक्लेयर कर सकता है वो दोस्तों डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है ये अधिकार है किसके पास दोस्तों वहां के आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में ये अधिकार है कि ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ डिस्टर्ब एरिया किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है किसके पास अधिकार है यह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अधिकार है ये अधिकार है. बात याद रखना आपको विद रिलेशन टू द डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अनुसार दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन है जो आपके एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है दिस नोटिफिकेशन इज जनरली डन बेस्ड ऑन द द द हिस्ट्री ऑफ कम्युनल इन एरिया कैसे होता है सर ये मैं आपको बता दूं ये हिस्ट्री जो सांप्रदायिक दंगे रहे हैं उनके इतिहास के आधार पर होता है ऐसे इलाके जहां पर सांप्रदायिक दंगे जो हैं उनका इतिहास रहा है ये उन्हीं इलाकों के अंदर में ज्यादा होता है सो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के तहत में एक जिला कलेक्टर किसी शहर या कस्बे के किसी विशेष क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकता है और अध अधिसूचना जो होगी दोस्तों किसके आधार पर होगी सांप्रदायिक दंगों के इतिहास के ऊपर कि पहले इससे पहले इस एरिया में कितने सांप्रदायिक दंगे रहे हैं उसी आधार के ऊपर उस एरिया को अशांत एरिया जो है वो घोषित किया जाएगा आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों वाई डिड द गवर्नमेंट अमेंड द एक्ट सरकार <coughs> सरकार <coughs> क्यों इसको चेंज कर रही है वाई डिड द गवर्नमेंट अमेंड द एक्ट सरकार ने क्यों इस अधिनियम को चेंज किया मैं बता देता हूं दोस्तों सो एज पर द गुजरात गवर्नमेंट द बिल टू बिल टू अमेंड द एक्ट वॉज ब्रॉट इन लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेन रिसीव द अबाउटिजन ऑफ द एक्ट बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लार्ज लीगल लूप देखो एमएलए और बहुत सारे सिटीजन ने लगातार इस बार की इस बात की कंप्लेन की, की है लगातार इस बात की बड़ी संख्या में शिकायतें की हैं और बहुत सारी शिकायतें गुजरात की सरकार को प्राप्त हुई हैं अधिनियम में संशोधन जो है आवश्यक है क्यों क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कानून के अंदर, में, इस कानून को, के अंदर जो लूपल लूप उपलब्ध हैं, इस हैं, हैं? हैं। इसके गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और शंका है कि उनसे उस, उस, उस उनके उठाने से आपके दंगे जो है भड़क सकते हैं इट वॉज आर्ग्यूड दैट दिस पोलराइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर लोकैलिटी ठीक है ये पूरी पूरी संभावना है कि इसके द्वारा इट वॉज आर्ग्यूड दैट दिस कुड पोटेंशियली लीड टू द कम्युनल पोलराइजेशन इससे साफ साफ पता है दोस्तों कि इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है हमारे समाज का वो हो सकता है यह तर्क दिया गया कि इसके बाद संभावित रूप से एक विशेष इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है और यही कारण है जिसके कारण दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों हमने इसको गुजरात सरकार ने इसको बदलने की इसमें संशोधन लाने की बात जो है वो कही है समझ में आ रही बात आपको भाई एक कानून था कानून का उद्देश्य क्या था कि सामाजिक ध्रुवीकरण होने से बचाया जा सके कम किया उस सामाजिक ध्रुवीकरण ना होने दिया जा सके सामाजिक ध्रुवीकरण को अगर हमें रोकना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों उसके अंदर जो लीगल लूप होल्स उनको बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लीगल लूप होल्स जो है इस कानून के अंदर में ऑलरेडी विद्यमान है और लगातार जो एम एल और जो सिटीजन है वो इस बात की शिकायतें कर रहे हैं तो ऐसे में जरूरी हो जाता है दोस्तों हमारे लिए कि हम इसके ऊपर ध्यान दें वट आर दीनल प्रोविजन फॉर द वायलेशन इन द अमेंड एक्ट देखो यार पहले क्या सजा के प्रावधान थे अगर इस कानून की आप अवहेलना करते हो तो पहले क्या प्रावधान थे और अब क्या प्रावधान है तो उनके बारे में यहां पर जो है बात की गई है सो द पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द एक्ट वॉज अर इंक्रीजमेंट विद्स मंथ एंड द फाइन दस हजार पहले जो थी ना अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हो तीन साल तीन महीने की सजा और साथ ही साथ में दस हजार रुपए का फाइन था तो मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा फाइन था है ना बहुत ज्यादा नहीं था अधिनियम का उल्लंघन करने पर पहले आपका छह महीने के कारावास और दस हजार रुपए तक का जुर्माना था जो मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं था लेकिन इस संशोधन के बाद में यह जो सजा है इसको इंक्रीज कर दिया आफ्टर दिस अमेंडमेंट दिस हैज बीन इंक्रीज द पनिशमेंट हैज बिन इंक्रीज है ना और यह इंक्रीज कर दिया गया है और अब जो है अगर हम बात करें तो पनिशमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो गई है तीन साल तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है थ्री टू फाइव इन से पांच साल तक सजा आपको जेल में रहना पड़ सकता है संशोधन में सजा को तीन से पांच साल के बीच कैद को बढ़ा दिया गया है। मतलब लगभग अब तीन से पांच साल तक आपको कारावास में रहना पड़ सकता है अगर 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 आपने ये किया तो ठीक है थी। इस कानून का अगर आपने उल्लंघन किया तो आप तीन से लेकर पांच साल तक क्या करोगे कारावास में रहोगे अब नए प्रावधान के पहले में तो छह महीने थे बस एरिया कौन कौन सा है दोस्तों जो गुजरात में वर्तमान में इस एक्ट के तहत में डिस्टर्ब एरिया कहलाते हैं <coughs> गुजरात में अभी कौन कौन से एरिया हैं जिनको हम अशांत एरिया कहते हैं ठीक है डिस्टर्ब्ड एरिया कहते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं सो द डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट इज एप्लीकेबल इन अहमदाबाद वर्तमान में अहमदाबाद में एप्लीकेबल है बड़ोदरा में एप्लीकेबल है सूरत हिम्मत नगर गोदारा उसके बाद में आपका कपधवंज और आपका भारूंज यहां यहां पर एप्लीकेबल है ठीक है अभी वर्तमान में अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत हिम्मतनगर बोधारा का आपका उसके बाद है यहां पर कपंडवंश उसके बाद है ना भरूच इसमें आपके लागू है ठीक है हो गया सर हो गया सर अब सर मैं कुछ काम आपको भी देना चाहता हूं दिस इज योर रिलेटेड सर्च वर्क ये क्या होगा दोस्तों रिलेटेड सर्च में संबंधित खोज में आपको क्या पढ़ना है आपको लेजिस्लेटिव असेंबली वर्सेज लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है ना पॉलिटी आपने बहुत अच्छी पढ़ी है मैंने सुना है ठीक है पॉलिटी आपने मैंने सुना है बहुत ही अच्छी अभी तक आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो आपको मुझे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिफरेंस बताना है ठीक है अब पढ़ लें उसमें से क्या फर्क होता है क्या समानताएं होती हैं क्या विभिन्नताएं होती हैं कहाँ होती है क्या जरूरी है कि दोनों में से एक हो या दोनों में से एक यूनिक कैमरलिज्म और बाई कैमरलिज्म को बोलते हैं क्या होता है ये सारी चीजों का अध्ययन आपको दोस्तों विस्तार पूर्वक करना है ठीक है हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया प्रोविजन टू अमेंड द एक्ट इन द लेजिस्लेचर आपको बताना है दोस्तों कि किस प्रकार से किसी भी एक कानून को बदलाव किया जा सकता है किसी भी कानून में किस प्रकार से बदलाव किए जा सकते हैं वट आर द डिफरेंट प्रोविजन बाई विच यू कैन चेंज अ पर्टिकुलर आप किसी भी चीज को आप बदल सकते हो उसमें बदलाव ला सकते हो प्रोविजन टू तो अमेंड दिन द लेजिस्लेचर ये आपको ध्यान में रखना है प्रुलिम स्पेसिफिक क्या है दोस्तों अबाउट द डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट डिस्टर्ब एरिया एक्ट के बारे में आपको देखना शांत क्षेत्र अधिनियम के बारे में देखना है अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेचर आपको देखना राज्य विधानमंडल में संशोधन की प्रक्रिया क्या है वट आर द न्यू अमेंडमेंट्स नए संशोधन क्या है ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों आपको अध्ययन करना है ठीक है नहीं प्रम्स में इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है स्पेसिफिक सवाल पे आ जाओ दोस्तों मेंस नहीं तो कुछ भी नहीं स्पेसिफिक व्हाट इज डिस्टर्ब एरिया एक्ट एंड व्हाई दिस इज सो कॉन्ट्रोवर्सियल एलिब्रेट क्या डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्या और दोस्तों लगातार ये ना उसमें रहा है कॉन्ट्रोवर्सी में रहा है तो मुझे आपको यही बताना है कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट है क्या पहली बात और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है ठीक है समझ गए आप मेरी बात को सो so आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टर्ब एरिया एक्ट एंड व्हाई इट दिस दिस इज सो कंट्रोवर्शियल यू यू जस्ट हैव टू मी कैन थिंग कर सकते हो सर सर मेन्स के आंसर कहां सबमिट करने हैं दोस्तों अभी मेरा एक फेसबुक पेज होता है बट आप उस पर करते नहीं हो तो डोंट वरी मैं बहुत जल्दी एक चैनल का ग्रुप बनाने वाला हूं आप चिंता मत कीजिए है ना थोड़ा दिन और रुक जाइए मतलब एक दो दिन का मुझे समय और दीजिए करंट अफेयर के ऊपर ऐसी भयानक चीज लॉन्च करने वाला हूं ना करंट अफेयर के लिए इतनी भयानक चीज लॉन्च करने वाला हूं दोस्तों कि आप आप कहोगे कि सर वामा जा आ गया मतलब उससे बेहतरीन चीज ना तो कोई है और ना ही कोई होगी ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।, है ना करंट अफेयर के लिए बहुत जबरदस्त चीज मैं लॉन्च करने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त चीज लॉन्च करने वाला हूं आपकी करंट अफेयर की सारी एपेटाइट को मैं समाप्त करूंगा आपके आंसर राइटिंग एपेटाइट को समाप्त करूंगा है ना आपके प्री रिलेटेड जितना भी जो भी आप चाहते हो यार करंट अफेयर से रिलेटेड कॉन्टेंट आपको सब मिलेगा जस्ट गिव मी समाइम थ्री और फोर डेज टाइम आप मुझे दीजिए बहुत बड़ी चीज आपके लिए इंतजार कर रही है बहुत जबरदस्त चीज आपके लिए इंतजार कर रही है ठीक है चलिए आगे बढ़े

ठीक है सो दैट्स वाई पीडीएफ जो है मॉर्निंग में दे की इवनिंग में दी जाती है अगर आप पढ़ाई करो उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूं कुछ दिनों पे पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं कि आपको पीडीएफ साथ साथ दे दी, दी जाए है ना बट मैं दे के देखूंगा क्या रहता है अगर आप लोग उसके बाद अगर अटेंड करते हो लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखते हो तो मैं साथ साथ भी दे दूंगा अदरवाइज तो फिर दिन में पढ़ाया जाएगा इवनिंग तक आपको उसको पीडीएफ मिल पाएगी ठीक है <coughs> पीडीएफ की कोई चिंता नहीं मैं पूरा काम पीडीएफ से करता हूं ठीक है मेरे पास ऐसा कोई वो टाइप टाइप का, का काम है नहीं ठीक है कि मतलब चलो ठीक है जल्दी जल्दी करवा दूं या आपको काम सौंप दूं मैं पढ़ा दूं सिर्फ नहीं ऐसा कुछ नहीं है अपने पास पूरा पुख्ता काम होता है दोस्तों पूरा कंटेंट आपका प्रिपेयर किया जाता है सारी चीज प्रिपेयर करके ही मैं आपको डिलीवर करता हूँ तो यहाँ पर कोई जल्दबाजी का काम है ही नहीं टेंशन मत लो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हाँ लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा ये मैं नहीं करूंगा वट इज एरिया एंड वाई डूट सो कॉन्ट्रोवर्सियल एलोबरेट है ना अरे आप लिखोगे भी नहीं ना मैं नहीं कहता कि आप पूरा ढंग से लिखो पर आप जब जाओगे लिखने की कोशिश करोगे तो आप डिस्टर्ब एरिया बताओ पहले क्या होता है इंट्रोडक्शन में व्हाट इज डिस्टर्ब एरिया क्यों इसका प्रावधान है वर्तमान में कौन कौन से डिस्टर्ब एरिया हैं उसके बाद में ये क्यों कॉन्ट्रोवर्सियल है और उसके बाद में कंक्लूजन लिख दो सिंपल होता है अगली बात करते हैं दोस्तों पार्टी सिंबल यार बिहार के अंदर में स्टेट असेंबली के अभी चुनाव होने वाले हैं सभी को पता है है ना कुछ तो पार्टियां नहीं है और कुछ पार्टियां अभी पुरानी भी हैं पुरानी पार्टियां है जैसे भाजपा की बात करूं मैं कांग्रेस की बात करूं समाजवादी पार्टी की बात करूं मैं मैं आपका लालू जी की पार्टी की बात करूं पासवान जी की पार्टी की बात करूं ये वो पार्टियां हैं जिनके पास ऑलरेडी अपने खुद के इलेक्शन सिंबल हैं ठीक है लेकिन बहुत सारी नई और अनरिकोग्नाइज पार्टियां भी शामिल हो रही हैं इस बार बिहार इलेक्शन में अब उनको भी क्या देना पड़ेगा चुनाव चिन्ह देना पड़ेगा है ना बस उसी के लिए कुछ प्रावधान यहां पर हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे पार्टी सिंबल क्या होता है अब सुनना मेरी बात पहले इससे भी पहले एक बात समझना ये पार्टी को यार सिंबल की जरूरत क्या पड़ती कांग्रेस नाम लिख देंगे हम उस उसपे इलेक्ट उस पर तो क्या समझ में नहीं आएगा क्या लिख दो कांग्रेस लिख दो भाजपा बीजेपी समझ में आ जाएगा ना अरे हाँ या ना जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में समझ में आ जाएगा कि नहीं अब मैं आरजेडी लिख दूं या मैं उसका लालटेन लगा दूं बात तो एक ही है ना या कुछ और है कमल का निशान बना दो या लिख दो बीजेपी बात तो एक ही है ना यस yes, सर एक ही बात है एक ही बात है लेकिन फिर हम ये इलेक्शन सिंबल क्यों देते हैं दोस्तों देखो यार ये इलेक्शन सिंबल जो आज से नहीं है उन्नीस से स्टार्ट हुए 1951, 52 के अंदर पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था याद है आपको नहीं आपको क्यों याद होगा अरे अगर पढ़ा तो होगा उन्नीस सौ में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था है ना उस समय भारत के अंदर में ज्यादातर लोग जो थे वो इलिटरेट थे है ना अनपढ़ आज भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अनपढ़ हैं उनको यार लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा तुम बीजेपी लिख दो या भैंस भैंस लिख दो वहां पे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कांग्रेस लिख दो या बिजार लिख दो झोटा लिख दो कुछ समझ नहीं आएगा है ना आप सपा लिख दो कुछ मतलब उनको लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा वो कहावत है हरियाणा में काड़ा अक्सर भैंस बराबर है उनके लिए नहीं आता समझ में उनको अभी भी है अनपढ़ लोग तो उनको ये दिक्कत होती है तो इसीलिए सिंबल से उनके लिए पहचानना आवश्यक है जब आज भी हमारे ये हालात हैं हंड्रेड तो लिटरेसी आज भी नहीं हुई है हमारे पास तो आज ही हालात है सोचो उन्नीस सौ में क्या हाल रहा होगा तो उस समय लिटरेसी ज्यादा थी लिटरेट पीपल कम थे और ऐसे में लोगों को यह समझाने के लिए कि आप इस पार्टी को वोट दो रिकॉग्नाइज कर पाए इसीलिए दोस्तों पार्टी सिंबल्स हुआ करते थे अब सवाल आता है सर ये पार्टी सिंबल कौन देता है सर पार्टी सिंबल जो देता है वो इलेक्शन कमीशन देता है पार्टी सिंबल देने के लिए एक ही अथॉरिटी हमारे पास और वो कौन सी है दोस्तों इलेक्शन कमीशन सो so, बेसिकली इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जो है वो आपको पार्टी सिंबल प्रोवाइड करता है इलेक्शन सिंबल के पास इलेक्शन कमीशन के पास में बहुत सारे सिंबल हैं कुछ सिंबल्स इन सिंबल्स को हम दो नामों से देखते हैं एक तो रिजर्व सिंबल और दूसरा होता है फ्री सिंबल रिजर्व सिंबल क्या होते हैं जो ऑलरेडी किसी पार्टी को दिए जा चुके हैं जैसे कमल का निशान जो है है वो रिजर्व है। बीजेपी का ही रहेगा हाथ का निशान जो है वो कांग्रेस का ही रहेगा ठीक है हाथी मायावती जी का ही रहेगा है ना चेंज नहीं हो सकता सो so, ऐसे कुछ निशान हैं जो फिक्स हो चुके हैं दे आर रिजर्व ठीक है दे आर रिजर्व साइन वो रिजर्व हो चुके हैं बट दे साइंस विच आर फ्री फ्री है मतलब कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी अनरिकोग्नाइज पार्टी आएगी वो उनमें से एक छांट सकती है जैसे आम आदमी आई उसने झाड़ू छांट लिया है अब ऐसी और भी बहुत सारी शिमला मिर्च टमाटर भिंडी नेल कटर ठीक है आ, माउस मतलब ऐसी चिन्ह जिनको आम आदमी आसानी से पहचान सके अनपढ़ आदमी आसानी से पहचान सके टॉर्च हो गया गिटार हो गया ठीक है अनाज लेके जाता हुआ किसान महिला होगी तो ऐसी चीजें जो है बहुत हैं इनको हम बोलते हैं फ्री सिंबल तो इलेक्शन सिंबल भी दो प्रकार के होते हैं पहला फिक्स सिंबल ठीक है रिजर्व सिंबल और दूसरा क्या होता है दोस्तों आपका फ्री सिंबल तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नई या पुरानी अभी नई पार्टी रजिस्टर्ड होती है रिकॉग्नाइज पार्टी जाती है तो इलेक्शन कमीशन उसको क्या करता है एक सिंबल असाइन करता है ताकि आम जनता जो लिटरेट पब्लिक है उसके लिए आसानी हो सके ताकि वो अपनी पसंदीदा पोलिटिकल पार्टी की पहचान कर सके चलिए इसी में कुछ प्रावधान है जिनके बारे में बात करना चाहूंगा दोस्तों आपका जीएस पेपर टू से रिलेटेड है

बीस का ये जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है ना बिहार में इसमें जो चुनाव जो जो आपके जो आम जनता है वो बहुत सारे आपके चुनाव चिन्ह जो है वो देख पाएंगी है ना ऐसी उम्मीद है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आ रही हैं वो चुनाव लड़ेंगी और वो बहुत सारे क्या देख पाएंगी दोस्तों बहुत सारे इलेक्शन सिंबल जो है आप नए देख पाओगे और ये जो बिहार में इलेक्शन है ये अभी होने वाला है, है ना अब इलेक्ट्रॉनिक सिंबल जो है एक स्टैंडर्डाइज सिंबल होता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी का लॉट किया जाता है आप समझ लो मेरी बात को एक चुनावी प्रतीक जो होता है ना एक मानवीकृत एक आपका माननीकृत प्रतीक होता है जो किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को हम आवंटित करते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको हम आवंटित कर देते हैं उसको हम दे देते हैं एक माननीकृत जो है एक प्रतीक उसको चुनाव प्रतीक हम प्रोवाइड कर देते हैं ये सिंबल जो होता है वो पार्टी फिर अपने प्रचार के लिए इसको, इसको इस्तेमाल करती है द सिंबल आर यूज्ड बाय द पार्टी इन देयर कैंपेन जब भी वो कैंपेन करने जाएगी कि भाई मुझे चुनाव में वोट दो वोट दो तो वो वोट देगी अपने इस चुनाव चिन्ह को कहेगी यार हाथ पे वोट दबा हाथ पे हाथ का बटन दबाना है कमल का बटन दबाओ ठीक है और भाजपा को विजयी बनाओ ऐसा ही तो होता है ना हाथ के चिन्ह हाथ पर बटन दबाओ और आपका कांग्रेस को विजयी बना ऐसे ही तो बोलते हैं वो तो वो अपने जो इलेक्शन जो कैंपेन है उसके अंदर में उसका इस्तेमाल करते हैं अपने बैलेट पेपर के सामने जो अभी तो खैर आपका वोटिंग मशीन आ गई पहले बैलेट पेपर होता था वोटिंग मशीन पर भी सिंबल छपता है ऐसे ही बैलेट पेपर होते थे तो बैलेट पेपर पे निशान सिंबल छपा होता था उसी सिंबल के सामने मतदाता जो है अपनी वो मोहर लगाता था और अपनी वोट को अंकित करता था पहले ऐसा ही तो चलता था लेकिन अब तो भाई आपकी इलेक्ट्रॉनिक लेक्ट, वोटिंग मशीनें ईवीएम आ चुकी हैं बैलेट पेपर वेर अ वोटर मस्ट मेक अ मार्क टू द वोट फॉर द एसोसिएटेड पार्टी ठीक है अब इसमें क्या होता था पहले बैलेट पेपर होता है इधर आपके सारे पॉलिटिकल पार्टियों के निशान होते थे और जिस भी को भी वोट देनी हो वहां पर जो मतदाता है वो अपनी वोट को अंकित कर देता था, मोहर लगा देता है है ना? सिग्निफिकेंस वाई इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल इन द इलेक्शन अब ये पूछ क्या रहा है है पता कैसे इलेक्शन में ये आपका जो सिंबल है इसका क्या महत्व है क्यों कितना महत्व हम दे रहे हैं इस सिंबल को तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों सिंबल है क्रूशियल पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस एवर सिंस द इंडिया पुलिस पहली बार जब से हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ है ना उन्नीस सौ से तब से इलेक्शन सिंबल जो है ये जो आपके चुनाव प्रतीक हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले कर रहे हैं यार जिस समय उन्नीस सौ इक्यावन की जिस समय बात कर दे पचासी प्रतिशत भारतीय उस समय लिटरेट थे एट्टी फाइव परसेंट लिटरेसी यहां पर सिर्फ पंद्रह प्रतिशत की थी पचासी प्रतिशत भारतीय दोस्तों वो लिटरेट थे उनको पता नहीं था पढ़ना लिखना आता नहीं था उनको तो ऐसे में जरूरी था यार कि वो अपनी उम्मीदवार और पसंदीदा पार्टी की पहचान

एज पर द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर दो हजार सत्रह पार्टी सिंबल रिजर्व और फ्री पार्टी का जो सिंबल है ना रिजर्व सिंबल तो हो सकता है और कंट्री है हमारे पास आठ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और सिक्सटी फोर जो है मेरे पास वो स्टेट पार्टी है स्टेट लेवल की पार्टी है सबके पास अपने अपने रिजर्व सिंबल है सबके पास अपने अपने क्या है दोस्तों रिजर्व सिंबल है इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज अ पोल ऑफ पूल ऑफ नियरली 200 फ्री सिंबल 200 फ्री सिंबल है उनके पास अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं ना तो इलेक्शन कमीशन ऑल्सो पूल ऑफ नियर बाई टू फ्री सिंबल 200 फ्री सिंबल है किसके पास में आपके बताओ जल्दी से

क्योंकि वो नोटिस पीरियड जो था वो डिक्रीज किया गया था बीस दिन से घटा के एक सात दिन तक कर दिया था सात दिन का कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द कोविड याद है नहीं है आपको किस प्रकार से एक पॉलिटिकल पार्टी गठित की जाती है पॉलिटिकल पार्टी गठित करो थर्टी डे दे के डेज के अंदर में आपको नोटिस देना पड़ेगा नोटिफाई करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करेगा फिर आपको पार्टी रिकॉग्नाइज करेगा और ये किसके अंडर में था ट्वेंटी एट ए था पता सेक्शन नंबर ट्वेंटी एट ए ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 क्या आप याद कर रहे हो रिकॉल कर पा रहे हो आज से तीन या चार दिन के पहले मैंने मॉर्निंग करंट अफेयर में आपको कराया था वहां पर बताया था कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी गठित करोगे यहां पर बता रहा हूं किस प्रकार से आप इलेक्शन सिंबल जो है वो आप दोगे कितने प्रकार के इलेक्शन सिंबल हमारे पास में होते हैं सो so, अभी वर्तमान में हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास में 200 के आसपास फ्री सिंबल है कोई भी नई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है ना तो वो फटाफट उसको क्या करते हैं वो, वो जो है उनको प्रोवाइड कर देते हैं हाउ आर द सिंबल्स अलॉटेड टू द पोलिटिकल पार्टी किस प्रकार से सिंबल जो है पोलिटिकल पार्टी को अलॉट किए जाते हैं यह भी समझ लो ऑर्डर फर्स्ट प्रोमोगेटेड इन नाइनटीन सिक्सटी एट पहली बार ऐसा ऑर्डर उन्नीस सौ अड़सठ में आपका प्रोमोगलेट किया गया था एक अध्यादेश पारित किया गया था मैंडेट द इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिकेशन रिजर्वेशन चॉइस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल एट द पार्लियामेंट्री इंड असेंबली इलेक्शन पहली बार उन्नीस में एक ऐसा अध्यादेश पारित किया गया था जिससे इलेक्शन कमीशन को अधिकार दिए गए थे कि, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो रजिस्टर कर सकता है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसको उसकी मनपसंद आपका इलेक्शन सिंबल जो है चुनाव प्रतीकों का आवंटन कर सकता है ये कब की बात कर रहा हूं दोस्तों टॉकिंग अबाउट इन द फर्स्ट टाइम पहली बार एक ऐसा अध्यादेश पारित करके इलेक्शन कमीशन को अधिकार प्रदान किए गए थे एज पर द गाइडलाइन टू गेट अलॉटेडी और कैंडिडेट फ्री सिंबल आप देखो नई पार्टी आती है मैं कल को नई पार्टी बना दू ठीक है मैं बना दू एक ज्योग्राफी पार्टी कई नई बना के लेके चलता हूं कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा इस बार बिहार का तो मैं जब जाऊंगा ज्योग्राफी पार्टी बना के मैं लेकर जाऊंगा तो मेरे को तीन सिंबल मिलेंगे वहां पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास फ्री सिंबल है उन तीन फ्री सिंबल से मुझे एक फ्री सिंबल लेना पड़ेगा भाई ये मेरा सिंबल रहेगा मेरी पार्टी का निशान ये रहेगा उनमें से एक मुझे मिल जाएगा और ये जो निशान मिलते हैं ना ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वेिस पे मिलते हैं जो पहले आएगा उसको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा अब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक पार्टी बना ली जोग्राफी पार्टी है ना और कल को पॉलिटी पार्टी बन के आती है तो मैंने चुनाव चिन्ह जो ले लिया पॉलिटिकल पॉलिटी पार्टी कहे कि मैं इसको लूंगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता जो मैंने ले लिया पहले फर्स्ट कम फर्स्ट है भाई जो पहले मैंने ले लिया वो तो ले लिया अब तो बचा है उसी में से आपको लेना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च में आपका काम क्या है आपका काम है सर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर दो क्या है थोड़ा सा पढ़ लेना आपके पास अगर इच्छा हो टाइम हो समय हो तो इलेक्शन सिंबल जो ऑर्डर एक्ट है 2017 पढ़ लेना रिकॉग्नाइज वर्सेस अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी व्हाट इज़ द रिकॉग्नाइज इन अनिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी यू हैव टू गो एंड स्टडी अबाउट दिस सेकेंड एंड थर्ड जो है दैट इज द इलेक्शन कमीशन तीन चीजें हैं जो आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट समझ पा रहे हो सभी लोग

होते हैं मेन स्पेसिफिक धरती जिस पे टिकी हुई है ब्रह्मांड जिस पे टिका हुआ है है ना यही वो गाय का सिंह है जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है अन्यथा अगर ये ना हो तो पूरे समाज का पूरे संतुलन जो ब्रह्मांड का संतुलन है वो अस्त व्यस्त हो सकता है सब चीज बिखर सकती है सो इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है व्हाट इज अ पार्टी पॉलिट वट इज अ पार्टी स्प्लिट्स पार्टी स्प्लिट्स क्या होती है लगातार हम न्यूज में देखते आ रहे हैं पार्टी स्प्लिट्स एंड हाउडन कमीशन टेक्सिजनिंग देखो जयलिता जी का निधन हुआ था उसके बाद उनकी पार्टी भी दो भागो में बट गई अब वो जो टू लीव सिंबल था ना वो किसको दिया जाए है ना ये एक बड़ा मुद्दा था तो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कैसे डिसाइड किया ठीक है और कैसे करती है मान के चलो कल को मैं मान के चलू अगर आपका बीजेपी के अंदर में दो दल बन जाए दो गुट बन जाए है ना और उन दो गुटों के अंदर में अब सिंबल तो वही था बीजेपी का क्या बीजेपी का सिंबल क्या था आपका आ, कमल अब ऑब्वियस बात है जब दो गुट बनेंगे तो दोनों के दोनों क्लेम करेंगे कि सिंबल कमल का हम रखेंगे हम रखेंगे तो फिर किस प्रकार से पार्टी जो आपका इलेक्शन कमीशन निर्धारित करेगा कि जो कमल का सिंबल है किसको दिया जाए तो आपको मुझे इसी बारे में बताना है व्हाट इज पार्टी स्प्लिट पार्टी स्प्लिट क्या होती है पार्टी का बंटवारा क्या होता है और किस प्रकार से जब पार्टी स्प्लिट होता है तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि, कि किस आधार पर उसको इस चुनाव चिन्ह को क्या करना है दोस्तों देना है बंटवारा इसका करना है देखो यार अब जब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे सोचोगे इसके बारे में तो आपकी थॉट सोचो कितनी ब्रॉड होगी है ना आपकी जो थॉट है वो कितनी ब्रॉड हो सकती है आप उसका अंदाजा शायद नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन मुझे उसका अंदाजा बहुत अच्छे से अगर एक साल तक दिन के अंदर अगर कम से कम मैं पांच क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस कराता हूँ ना तो एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर के साल के अंत में हमारी क्लास पूरे मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे से मंडे टू सैटरडे मंडे टू संडे आपके सातों दिन क्लास ले रहा हूं हर दिन मैं पांच क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं तो थर्टी फाइव क्वेश्चन हम पर वीक कर रहे हैं ठीक है और 35 फाइव क्वेश्चन मैं हर सप्ताह में कर रहा हूं महीने में कितना करेंगे सोचो साल में हम कितना करेंगे तो साल में अगर इतने क्वेश्चंस के बारे में आपने सोच के और काम कर लिया ना तो सोच लो आपका दृष्टिकोण जो है वो कितना वाइड होगा ये आप ध्यान में रखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों माउंट किलीम इसका नाम मेरे से आपने सुना होगा हजारों टाइम्स ठीक है माउंट किलीमजारो का नाम आपने मेरे से हजारों बार सुना होगा कहां पर पाया जाता है बेसिकली इट इज प्रेजेंटेड इन द तंजानिया तंजानिया के अंदर ये है तंजानिया कहां है सर तंजानिया अफ्रीका का एक देश है जहां पर ये स्थित है ठीक है अब खास बात क्या है सर तंजानिया में ये जो है इसकी खास बात कुछ ऐसी है पहली बात तो आपका दोस्तों ये आपका हाईएस्ट पीक है अफ्रीका का दूसरी बात जो थोड़ी सी डिबेटेबल है अगर आप देखोगे यार जो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि किलिमंजारो एक एक्सटिंग्ट एक वोल्केनो है मतलब ये लुप्त हो चुका है अब इससे किसी भी प्रकार के वोलकैनिकरप्शन की संभावना नहीं है बट अगर मैं बात करूँ न्यूज़पेपर्स वगैरह जो होते हैं न्यूजपेपर वगैरह में जो या जो न्यूज लिखते हैं ना जो एडिटर होते हैं शायद उनको ज्योग्राफी की उतनी नॉलेज ना हो इसीलिए इसको वो डोरमेंट वुल्कैनो बता देते हैं कि डोरमेंट वुल्कैनो है बट चलो कोई बात नहीं किली मंजारो इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका अफ्रीका की हाइएस्ट पीक है और जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर इसमें बात करूं तो ये मोनोलो आपकी मोनो उस पर मोनोस्टैंडिक रॉक होती है ठीक है और ये जो है इसके अंदर तीन कोन होते हैं अभी मैं बताऊंगा तीनों कोन के बारे में बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है जियोलॉजी की दृष्टि से अर्थ का फोर्थ इंपॉर्टेंट पीक आपका ये कहलाता है माउंट इज बेसिकली लोकेटेड इन द दंजानी अब हुआ क्या सर ये न्यूज में क्यों है आप बताओ सर दर्द मत करो हमारे न्यूज बताओ क्या है मैं बता देता हूं हुआ ऐसा है दोस्तों आजकल हम थोड़े से टूरिस्ट ज्यादा एडवेंचर करने ज्यादा जाते हैं ना एडवेंचर का थोड़ा सा ज्यादा हमारा शौक हमें हो रखा है तो गए थे यहां पर तंजानिया के अंदर आपका इसी जो मैं माउंट किली मंजारा बोल रहा हूं इसके ऊपर कुछ टूरिस्ट थे जो घूमने गए थे एडवेंचर करने गए थे तो वो टूरिस्ट ने अपना खाना वाना पकाने के लिए आग जलाई होगी जब वो आग जलाई उन्होंने दोस्तों तो वो आग फैल गई और वो जब आग फैली तो उससे क्या हुआ उससे हुआ त्राही माम, त्राही माम। तो उससे क्या हुआ बाघ लग गई जंगल में है ना सो यही बात है कि तक इसके इस पर्वत के ऊपर जो है टूरिस्ट जो है खाना पका रहे थे तो उसी से आग लग गई और वो आग फैल गई तो तंजानिया के अंदर में जो जंगल स्थित थे वहां पर ये आग जो है वो लगातार फैल रही है और मुश्किल हो रही है इस आग को भुजाने में भुझाने में क्योंकि एक तो तेज हवा चल रही है प्लस ऑल्टीट्यूड इतना ऊंचा है लगभग पांच हजार किलो पांच हजार मीटर की हाइट के ऊपर है माउंट केलीमजारो तो वहां पर आग बुझाना थोड़ा सा भी क्या हो रहा है दोस्तों मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई एयर हाई वेलोसिटी एयर एंड दी हाई ऑल्टीट्यूड होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट समझ रही आप बात को मैं क्या कह रहा हूं चलिए आगे बात करेंगे रिसेंटली अ फायर दैट हैज ब्रोकन आउट ऑफ द स्लोप ऑफ द माउंट क्लीम द दाइएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका अभी अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है ना माउंट किली मंजार उसकी ढलान पर अभी आग लग गई है अब मानना क्या है कि आग कैसे लगी तो मैं बताऊं आपका दोस्तों आग कैसे लगी अगर इसमें बात करें हम तो मेंबर ऑफ तंजानिया नेशनल पार्क अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं आपका तनप्पा ठीक है मैं क्या कह रहा हूं <coughs> 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 जो मैं तंजानिया की जो नेशनल पार्क अथॉरिटी है अगर मैं नेशनल पार्क अथॉरिटी की बात करूं उसका नाम है तनप्पा एंड द लोकल पीपल हैव बीन स्ट्रगलिंग टू पुट पुट आउट आउट द ब्लेज विच बिगन्स ऑन द संडे संडे को आग लगी थी उनको मुश्किल हो रही इस आग को बुझाने में मैं रीजन बता चुका हूं क्यों क्योंकि यार ऊंचाई एक तो अधिक है ऊपर से सूखा मौसम है और यार हवा बहुत तेज चल रही है जिससे जिसके कारण जो आग है बहुत तेजी से फैल रही है अब रीजन क्या है दोस्तों कारण क्या बताया आपका मैंने ही दिया कारण अभी तक क्लियर नहीं है बट स्पेकुलेशन यही है अंदाजा यही मारा जा रहा है कि यार ये या आग जो है वो टूरिस्ट जो थे वो अपना खाना बना रहे थे वहां बैठ के तो उसकी वजह से फैली है माउंट किली मंजारो जो है इसकी हाइट है लगभग दोस्तों पांच हजार आठ सौ पिछानवे मीटर उन्नीस हजार तीन सौ इकतालीस फीट इसकी हाइट है और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन देस्ट है दोस्तों ये एट द टेन थाउजेंड ऑफ द पीपल्स क्लाइमेट एवरी ईयर हर साल लगभग लगभग दस हजार टूरिस्ट हैं दस हजार जो आपके लोग हैं जो इसको देखने के लिए पीक के ऊपर चढ़ते हैं हर साल दस कम से कम दस हजार थोड़ा सा माउंटेन के बारे में जान लेते हैं ठीक है इस पहाड़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं समथिंग दिस दिस अबाउट माउंटेन माउंट किलीमजारो इज अ डॉर्मेंट वोलकैन इन तंजानिया ये तंजानिया के अंदर स्थित है और एक डॉरमेंट वोलकैन डॉलमेंट को बोलते हैं प्रसुप्त अब डॉर्मेंट और कई जगह पे आप डॉर्मेंट भी देखोगे और कई जगह पर दोस्तों आप एक्सटिंट भी देखोगे ठीक है एक्सटिंग मतलब जो मृत हो चुका है तो मैं जाता हूं एक्सटिंग वोल्कैनो के साथ सो माउंट क्लीमनजारो इज अ डोरमेंट वोलकैनो तंजानिया इट हैज थ्री वोलकैनिक कौन वोल्कैनिक कौन समझते हो ना जिनसे आज भी लावा निकल रहा है वोल्कैनिक कौन क्या होते हैं वोल्कैनिक कौन वो होते हैं दोस्तों जिनसे लगातार लावा सॉरी जिनसे कभी लावा निकला होगा ऐसे कौन टाइप से है ना so, जिनसे कभी लावा निकला हुआ सो माउंट के लिए मंजारो जो है ना इज अ डॉर्मेंट वोल्केनो इन तंजानिया तंजानिया के अंदर एक डॉर्मेंट वोल्केनो है इट हैज थ्री वोल्केनिक कौन जिनका नाम है कीबू मवानजी एंड शीरा ठीक है इसके अंदर तीन ज्वालामुखी शंकु है जिनका नाम है कीबो माविंजी और शीरा तो तीन इसके अंदर में ज्वालामुखी शंकु हैं किसके अंदर दोस्तों माउंट किली मंजारो के अंदर बहुत बढ़िया सर इट इज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका एंड द हाइएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है किली मंजारो के बारे में दोस्तों ध्यान से पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट लाइन कि ये आपका अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका की हाइएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन पीक है फ्री स्टैंडिंग माउंटेन पीक का मतलब क्या है अरे माउंटेन रेंज नहीं है पर्वत श्रृंखला नहीं मान ले क्या पर्वत श्रृंखला ना ऐसे चलता नहीं ये पर्वत श्रृंखला नहीं सिंगल स्टैंडिंग माउंटेन है ठीक है ये क्या है दोस्तों सिंगल मोनो स्टैंडिंग माउंटेन है दोस्तों आपका जिसके बारे में मैंने बात की थी और हाईएस्ट है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों है ना तो ये हमने देख लिया क्लीम अंजारो जो है वो पूरी दुनिया में अगर मैं टॉपोग्राफिक टॉपोग्राफिकली बताऊं ना सो क्लीम अंजारो इज द फोर्थ मोस्ट टॉपोग्राफिकली प्रोमिनेंट पीक ऑन द अर्थ पूरी पृथ्वी के ऊपर ये आपका टोपोग्राफिकली फोर्थ इंपॉर्टेंट पीक आपका कहलाता है दोस्तों आपका ये द फर्स्ट पीपल नोन टू हैव रीच द समिट वर हंस मेयर एंड द लुडविक पुट्स पुटस्केलर तो ये पुटस्केलर ये दो बंदे थे जो अठारह सो नवासी में पहली बार इस चोटी पे चढ़े थे समझ में आ गई बात चलिए बहुत बढ़िया आगे पढ़ते हैं दोस्तों इट इज अ पार्ट ऑफ किली मंजारो नेशनल जहां पे आग लगी है ना वो किली मंजारो नेशनल पार्क का हिस्सा है और एक मेजर क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन है लोग चढ़ते बढ़ते रहते हैं वहां पे ठीक है चलिए सर अब रिलेटेड सर्च में आ जाइए थोड़ा सा आपको भी काम दे देता हूं आप भी थोड़े से थकावट में आ रखे हो फाइंड द माउंटेन ऑन द मैप आपको माउंटेन इस मैप पे बताना है इसके आसपास कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है वो आपको बताना है फिजिकल फीचर ऑफ द माउंटेन क्या क्या इस, इसके महत्वपूर्ण फीचर है मैंने बता ही दिया है तो हाइएस्ट मोनोस्टैंडिंग माउंटेन है ये माउंटेन चेंज नहीं एक पर्वत है खाली अकेला जो खड़ा है तो ये आपको थोड़ा रिलेटिव सर्च में करना है प्रलिम्स में आपसे यार फिजिकल लोकेशन पूछी जा सकती है इस माउंटेन की कहां पर स्थित है आसपास कौन से और माउंटेन स्थित है इसके ठीक है कि बॉर्डर पर है कहां है कहां नहीं मतलब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और फिजिकल और ज्योग्राफिकल फीचर क्या है अराउंड द माउंटेन ये आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है आप कर लेना अदरवाइज मैप वन पे आ जाना मैं आपके बस की नहीं तो मैं करा दूंगा पूरा का पूरा ठीक है मैप वन इसकी वनस्पति वगैरह एवरीथिंग यू विल सी देयर आपको मैं पूरी चीज यहां पर पढ़ा दूंगा कहां पर मिलना पड़ेगा आपको मेरे से मैप वन के ऊपर ठीक है तो ये था सारी चीजें आपने देख ली मेरे साथ संबंधित खोज विशिष्ट क्या है और संबंधित खोज माउंटेन के बारे में पूरा आपने देख लिया है चलिए अब दोस्तों एक नई स्कीम आई है एल स्कीम एल स्कीम क्या है उसके बारे में देखूंगा दो स्कीम चलाई है देखो मंदी आर्थिक मंदी में हम जकड़े हुए हैं कोविड COVID-19 के दौरान हम आर्थिक मंदी में जकड़े हुए हैं है ना और उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या है दोस्तों डिमांड नहीं है डिमांड नहीं लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं लोग पैसा अब जब शॉपिंग मॉल खुले ही नहीं होंगे तो खरीदारी होगी कैसे ठीक है दूसरी ओर सरकार का यह भी मानना है कि जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉ हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी सेविंग बहुत बढ़ गई है क्यों घर में रहे थे बाहर गए नहीं पैसा खूब बचाया उन्होंने उन, ऐसा उनका मानना है सरकार का ऐसा मानना है कि जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में काम कर रहे थे उनको सैलरी तो मिलती रही है लेकिन उस हिसाब का खर्चा ही नहीं हुआ क्योंकि वो घर में बंद रहे हैं तो ऐसे में उनकी सेविंग जो है वो बढ़ गई है वो पैसा बचा के बैठे हैं तो अगर कैसे उनको वो पैसा खर्च करने के लिए अगर सरकार उनको प्रोत्साहित कर दे कि तुम पैसा खर्च करो तो वो पैसा खर्च करेंगे तो क्या होगा डिमांड जनरेट होगी और डिमांड जब जनरेट होगी तो अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर आ सकती है वैसे भी आपको पता है भारत जो है एक डिमांड बेस्ड इकोनमी है भारत जो है ना डिमांड बेस्ड इकॉनमी है डोमेस्टिक डिमांड बेस्ड इकॉनमी भारत डिमांड के ऊपर चलता है जैसे चाइना चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड है का मुख्य काम जो है वो एक्सपोर्ट से चलता है लेकिन भारत का मुख्य काम जो है ना वो डिमांड से चलता है डोमेस्टिक डिमांड भी डिमांड भी हमारी डोमेस्टिकली है हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है ना कि हमारी इकॉनमी डिमांड बेस्ड इकॉनमी है डिमांड के ऊपर हमारी इकोनमी सस्टेन कर रही है तो अगर डिमांड नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था में अगर डिमांड कम होती है तो अभी इस बात है उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन इन्होंने और मतलब केंद्र सरकार ने मिलकर एक स्कीम लेके आने की बात की वैसे दिवाली और दुर्गा पूजा अभी पास में आ रही है तो जनरली इस टाइम पे जो हमारे गवर्नमेंट जो सरकारी एम्प्लॉई हैं कर्मचारी या जो प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी भी हैं उनको दिवाली के समय पर क्या मिलता है दोस्तों एक बोनस मिलता है ये तो पता होगा ना सबको दिवाली के ऊपर सबको क्या मिलता है दोस्तों बोनस मिलता है लेकिन इस बार दिवाली के ऊपर बोनस नहीं दिया जाएगा सरकार ने बोला कि इस बार हम एल दे रहे हैं ठीक है एल स्कीम दे रहे हैं साथ ही साथ में दो दो स्कीम लॉन्च की है सरकार ने और इसके द्वारा सरकार का मानना है कि अगर इस स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत भारी डिमांड जनरेट हो सकती है और उस डिमांड की वजह से इकॉनॉमी दोबारा से ट्रैक पे आ सकती है मैं पूरी चीज समझाऊंगा आपको छोटे शब्दों में बाकी इसके ऊपर एक स्पेशल इवेंट होगा अलग से इवेंट होगा वो आपको देखना है ठीक है इंपॉर्टेंट है काफी अच्छा सरकार का ये सोच तो अच्छी इनोवेटिव अच्छा है लॉजिक अच्छा है इसके पीछे का मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा फिर हम बात करेंगे क्या वास्तव में इससे डिमांड बढ़ सकती है क्या वास्तव में एलटीसी से इकॉनमी ट्रैक

ट्रेवल कंसेशन अब इसमें कितने हैं घूमो छुट्टी लो घूमो जो जो ना उसका भी पैसा आपको मिलेगा देखो मैं बता रहा हूं ठीक है सपोज करो आपके सब गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हो पच्चीस हजार रुपए आपकी सैलरी है प्लस में पांच हजार रुपए आपका डीए है यह आपकी बेसिक सैलरी है ठीक है बेसिक सैलरी है और ये है आपका डी ए डीएनएस अलाउेंस तो टोटल सैलरी कितनी होगी मंथ में इन हैंड आपको कितना मिलेगा तीस हजार रुपए आपको मिलेगा ठीक है इस तीस हजार में से अगर मैं दस दिन की छुट्टी करूं मतलब तीस हजार है ये कितने दिन का है दोस्तों आपका ये थर्टी डेज की आपकी क्या है सैलरी है ठीक है आपको तीस दिन के लिए मिलती है अब इसमें अगर मैं मान लो आपको दस दिन छुट्टी दे दू मैं कह दू दस दिन यार आपको काम नहीं करना तो अगर मैं दस दिन का हिसाब से निकाल तो कितने हो गए दोस्तों दस रुपए ठीक है तो लीव ट्रेवल कंसेशन का मतलब क्या है छुट्टी लेके घूमने जाओगे तो सरकार आपको लेकिन सरकार आपको मतलब आप ले टिकट का भी पैसा देती है और सरकार आपको ये दस हजार रुपए भी आपकी सैलरी में रिमबर्स करती है आपकी सैलरी नहीं कटती चार साल में एक बार होता है कितने साल में होता है सर ये चार साल में एक बार होता है जैसे अभी का जो साइकिल चल रहा है ना वो कब का है 2018 से लेकर 2021 चार साल में एक बार होता है ये ठीक है फोर ईयर में वंस चार साल में सरकार क्या करती है अपने एम्प्लॉ को भारत के अंदर किसी भी जगह पे घुमाने के लिए भेजती है भाई घूमिया आओ और उसका खर्चा कौन उठाती है उसका खर्चा सरकार उठाती है पहली बात तो ये जितने दिन की वो छुट्टियां होती हैं सरकार उन छुट्टियों का भी पैसा उसको देती है मतलब सरकार उनकी छुट्टियों का भी पैसा नहीं काटती पहली बात तो और जब वो घूमने जाएगा तो उसकी जो ट्रैवल होती है ना जो भी वो खर्चा करता है उसका भी पैसा उसको मिलता है आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे कितने लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं दोबारा समझ लोगे ठीक है मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों एल क्या होती है मेरे पास समझना एलटीसी क्या होती है मैं एलटीसी के बारे में बता रहा हूं आपको लीव ट्रेवल कंसेशन आप लीव भी ले रहे हो आप ट्रेवल भी कर रहे हो और आपको कंसेशन भी मिल रहा है क्या कह रहा हूं मैं सरकार चार साल में फोर ईयर में आपका एक बार क्या करती है एलटीवी एलटीसी देती है ना चार साल में इस बार का साइकिल क्या है 2018 से लेकर 2021 का चार साल में एक बार मिलेगा अच्छा, अब ये मिल रहा है अच्छा अब इसमें अगर मैं बात करूं चार साल में एक बार मिलता है है ना इसमें सरकार क्या करती है कोई भी आपकी एक डोमेस्टिक लोकेशन के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर जो सरकारी एम्प्लॉय है उसको घूमने के लिए भेजती है इसमें सरकार क्या करती है जो आपका टिकट का पैसा है वो भी देती है प्लस जितने दिन की आपकी छुट्टी होती है जितने दिन की आप लीव लेते हो उसकी भी सैलरी आपको मिलती है अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको सपोज आपकी सैलरी थी पच्चीस हजार रुपए प्लस पांच हजार रुपए मिलता था आपको डीए तो सैलरी कितनी होगी दोस्तों सैलरी होगी आपके पास तीस हजार रुपए जब सैलरी होगी तीस हजार रुपए, आप घूमने गए दस दिन के लिए दस दिन के कितने कटने चाहिए आपके दस हजार रुपए कटने चाहिए तो ये दस हजार रुपए भी आपको मिलेंगे साथ ही साथ में मान के चलते हैं आपका एक बंदे का किराया था सपोज करो पांच हजार रुपए, और आपकी फैमिली में चार बंदे हैं तो कितने हो गए बीस तो बीस ये प्लस में दस ये सरकार आपको दे देगी समझ पा रहे हो दस हजार और कितना दोस्तों बीस हजार रुपए ये आपको सरकार क्या करेगी आपको देगी आप जब घूमने जा रहे हो घूमने जाने पे भी सरकार पैसा दे रही है आपको और ये चार साल में एक बार होता है अब सरकार ने इस बार क्या सोचा सरकार ने सोचा यार कोविड नाइनटीन कोरोना के चलते यार एम्प्लॉई ना तो कहीं घूमने जा पा रहे हैं और ना ही वो कहीं पर जो है आपका होम स्टेट में भी नहीं जा पा रहे अपने तो घूमने वाली बात तो छोड़ ही दो तो इस साल सरकार एल की जगह पर एल कैश कूपन दे रही है आपको इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब यह है कि आपको घूमने जाना है नहीं मतलब घूमने मत जाओ आप लेकिन फिर भी सरकार आपको यह तीस हजार रुपए जो है आपकी सैलरी के हिसाब से जो भी बनता है वो आपके अकाउंट में दे देगी लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है अगर आप अपने आप को इसमें एनरोल करना चाहते हो तो शर्त पता है कि आपके पास आपको शर्त यह है कि इसको तीन गुना आपको इसका खर्चा करना पड़ेगा मतलब अगर आप ये तीस तीस हजार रुपए चाहते हो तो आपको इसका तीन गुना यानी कि नब्बे हजार रुपए जो है वो आपको इस बार खर्च करने पड़ेंगे ऑनलाइन शॉपिंग करके और ऑनलाइन शॉपिंग किसकी करोगे ऐसी वस्तुओं के जिसके ऊपर कम से कम जीएसटी शायद

और उन उ, 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 उत्पादों का करोगे जिसमें जीएसटी का रेट जो है वो कितना होगा या तो यार अठारह बारह प्रतिशत से बारह प्रतिशत है सॉरी नॉट एटीन बारह प्रतिशत है तो पक्की बात है बारह प्रतिशत ज्यादा जीएसटी होगा तो अगर मान लो आपने नब्बे हजार रुपए का फ्रिज कार टीवी एसी कुछ खरीद लिया जिनकी कीमत नब्बे हजार रुपए से ज्यादा है इनकी रिसिप्ट सरकार के पास जमा कराओ और जब सरकार के पास आप जमा करा दोगे तो आपको ये तीस हजार रुपए सरकार दे देगी कैश कूपन आपको मिल जाएगा होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट मेरे हिसाब से अभी लो, अभी सभी बच्चे जो इस बात को समझ गए होंगे एलटीवी क्या है ठीक है एलटीसी क्या है? है ना लीव ट्रैवल कंसेशन आप समझ गए कि अगर आपको लीव ट्रैवल कंसेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका तीन गुना इस बार खर्चा करना पड़ेगा तो तब आपको वो कंसेशन जो है वो मिल जाएगा सरकार की तरफ से अगर आप नब्बे हजार रुपए इस बार खर्चा कर दोगे तो सरकार नब्बे हजार में से तीस हजार रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे मतलब आपको तीस हजार रुपए का बेनिफिट होगा पूरी न्यूज समझने के लिए दोस्तों इसको देख लेना थोड़ा सा वीडियो को बैक करके जो भी बच्चे ज्वाइन कर पाए मेरे पास और या आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर एक स्पेशल इवेंट मैं करने वाला हूं तो आप वो भी मेरे साथ मिलकर देख सकते हो ठीक है मैं आपको वन ओ वन के ऊपर करूंगा अब इससे क्या होगा दोस्तों सोच के देखो इससे क्या होगा मान के चलो कोई भी बंदा अगर चाहता है उसको स्कीम मिले तो वो पहले नब्बे हजार रुपए खर्च करेगा अब जब ये नब्बे हजार रुपये खर्च करेगा तो सोचो अर्थव्यवस्था में कितनी डिमांड जनरेट होगी है ना भाई मैं ही हूं मैं ही चाहता हूं कि ये, कि ये मैं खर्च करूं मैं इसको, मैं इसको ऑप्ट करूं मैं स्कीम के तहत में तो उसके लिए अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉई हूं मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर एंप्लॉय हूं ठीक है या अगर इसको प्राइवेट सेक्टर भी इंप्लीमेंट कर सकता है स्टेट के ऊपर भी बात छोड़ दिए स्टेट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो स्टेट भी इसको लागू कर सकता है बट ये टोटली totally स्टेट की जिम्मेदारी होगी ये टोटली प्राइवेट सेक्टर की खुद की जिम्मेदारी करना चाहते हैं उनको अभी छूट दिए, अभी सिर्फ केंद्र सरकार और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना पीएसयू उनके अंदर में लागू किया गया तो अब सोच के देखो यार अगर ऐसा होता है तो पहले तीस हजार का लाभ लेने के लिए आपको नब्बे हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे आप जब ये नब्बे हजार रुपए खर्च किए जाएंगे तो उससे कितनी डिमांड जनरेट होगी इकॉनमी में अर्थव्यवस्था में बहुत डिमांड जनरेट होगी तो यही इसके पीछे का लॉजिक है और यही इसके पीछे का मोटिव है सरकार यही चाह रही है कि लोग खर्च करें और खर्च करने से डिमांड जनरेट हो डिमांड जनरेट हो तो इकोनमी दोबारा से ट्रैक पे आ जाए एल एलटीसी कैश वाउचर एंड फेस्टिवल एडवांस स्कीम एक तो एल एलटीसी तो अभी मैंने समझा दिया एक फेस्टिवल एडवांस स्कीम क्या है दोस्तों फेस्टिवल एडवांस स्कीम क्या है इसके तहत में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना वो दस हजार रुपए जो है अपना क्रेडिट एडवांस ले सकते मतलब दस हजार रुपये का उनको लोन टाइप से मिल जाएगा और ये लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री होगा आपको दस इंस्टॉलमेंट में पे करना है इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देना आपको टेन इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा दस हजार मतलब हजार हजार रुपए की दस इंस्टॉलमेंट और कोई भी सरकारी कर्मचारी ये दस हजार रुपए लोन के स्वरूप में क्रेडिट एडवांस के रूप में ले सकता है अभी ठीक है तो ये स्कीम है जिसको हमने नाम दिया है क्या फेस्टिवल एडवांस स्कीम त्यौहार के लिए आप दस का लोन टाइप से ले सकते हो और इसको आपको दस इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो मैंने दोनों स्कीम बता दी फेस्टिवल एडवांस स्कीम और लेस कैश स्कीम और इसके पीछे का पर्पज भी मैंने बता दिया ताकि आर प्रोजेक्टेड टू क्रिएट एडिशनल डिमांड ऑफ रेस वन लाख करोड़ इन द इकोनॉमी ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये लोग अगर इस स्कीम को हमने सही से इंप्लीमेंट कर दिया तो अर्थव्यवस्था में हम लगभग लगभग एक लाख करोड़ तक की जो डिमांड है वो जनरेट कर पाएंगे कितनी दोस्तों वन लाख करोड़ रुपीज की डिमांड एक लाख करोड़ तक की हम यहां पर अपनी अर्थव्यवस्था में डिमांड हम इंक्रीज जनरेट कर पाएंगे

उ डी एल टीसी बेनिफिट इंपैक्ट यू आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है आप भी समझ लीजिए दोस्तों दवर्नमेंट ऑन मंडे अनाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉ सरकार को, सरकार ने मंडे यानी कि सोमवार को अनाउंस किया था ठीक है और कल ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था तो दैट्स वाई हमने आज सॉरी आज इंडियन एक्सप्रेस में आया तो हमने इसको कवर किया है क्या है क्या, है, क्या नहीं है बाकी मैं न्यूज जो दोनों स्कीम है यह अलग से कवर कर दूंगा आपको चिंता की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी एडवांस द गवर्नमेंट ऑन मंडे अनाउंस दैट देंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी प्रोवाइडेड टैक्स बेनिफिट ऑन द एल टीसी ट्रेवल अब सरकार ने बोला है कि ठीक है आपको जो एल टीसी के हम बेनिफिट पहले देते थे ना वो एलटीसी के बेनिफिट अब भी मिल जाएंगे पर इसके लिए आपको ट्रैवल पहले तो आपको ट्रैवल करना पड़ता था लेकिन आप ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है आप बिना ट्रेवल किए भी उसका फायदा ले सकते हो बिना ट्रैवल किए भी सरकार आपको एक कैश वाउचर दे देगी उसके जगह ठीक है दीज एम्प्लॉज वुड है इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड थ्री टाइम्स बस आपको तीन गुना खर्च करना है अगर आपको तीस हजार रुपए का आपका एलटीसी है तो आपको नब्बे हजार रुपये क्या करना है खर्च करना है तभी जाकर आपका वो खर्च किन पे करोगे आप उन चीजों पर जिन पर जो आपका जो जीएसटी है वो बारह प्रतिशत से अधिक है ठीक है ये हो जाएगा ये पूरी बात वही है दोस्तों ऑन द अदर हैंड इफ यू डोंट स्पेंड दी अमाउंट यू मे हैव टू पे द टैक्स एज पर टूर मार्जिनल टैक्स रेट ऑन द एल टी कॉम्पोनेंट अगर नहीं किया तो फिर नहीं मिलेगा टैक्स भी भरना पड़ेगा एज फॉर कम्पोनेट ऑफ एल्टी दिल है गुड्स टी बारहसेंट ये भी मैं बात बता चुका हूं जब आप खरीदारी करोगे तो आपको उन प्रोडक्ट्स की खरीदारी करनी है जिन पर कम से कम बारह प्रतिशत जीएसटी लगता उससे कम का किया तो नहीं होगा अब ये सरकार के राजस्व को कैसे लाभान्वित करेगा यार सरकार को क्या फायदा है इससे देखो यार सरकार को भी फायदा है यार अगर हम बात करें तो देखो आप जब प्रोडक्ट खरीदा जाएगा तो उस पर जीएसटी तो लग ही रहा है और सरकार ने साफ बोल दिया कि 12 प्रतिशत से अधिक जीएसटी वाली वस्तु ही खरीदोगे तो ही आपको लाभ मिलेगा तो जब कोई भी पहली बात तो डिमांड जनरेट होगी तो इकोनॉमी वैसे ही बूम करेगी बूस्ट होगी है ना भाई सोच के देखो अगर टीवी फ्रिज इनकी डिमांड जनरेट होती है तो जो टीवी बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी बढ़ाएंगेमेंट बढ़ेगा ठीक है सारी चीज साइक्लिक इफेक्ट पड़ेगा आपका है ना और दिवाली के ऊपर आप लोगों को वैसे ही पता है भारत के अंदर में जो परचेज सेल परचेज सेल का काम है वो बढ़ जाता है यही सोच के सरकार ने स्कीम को लेके आए हैं कोविड पैंडेमिक के दौरान हम स्कीम को इसीलिए लेके आ रहे हैं दोस्तों पहली बात तो डिमांड बढ़ेगी तो पूरा साइकिल इकोनॉमी का वो बूम करेगा साथ ही साथ में जब बारह की जीएसटी दर जो है जब लोग खरीदेंगे तो बारह प्रतिशत जीएसटी भी तो जाएगा

चलिए इफ द प्राइवेट सेक्टर पार्ट देखो अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉज या प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करती है तो नो no डाउट यार एक बहुत बड़ी विन विन टाइप की सिचुएशन होगी बहुत अच्छी ये कंडीशन होगी बहुत बढ़िया मतलब हिसाब किताब बन जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसके अंदर में क्या करते हैं दोस्तों हिस्सा लेते हैं तो अगर प्राइवेट सेक्टर भी इसमें हिस्सा लेता है ना दोस्तों तब तो आप देख सकते हो जो डिमांड है वो मल्टीफोल्ड आपका क्या हो जाएगी दोस्तों इंक्रीज हो जाएगी तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है देखने वाली बात है अच्छा अब रिलेटेड सर्च में क्या करना है आपको दोस्तों स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम वैसे मैंने बता ही दिया आपको कि दस आपको एडवांस मिल सकते हैं ठीक है आप दस हजार रुपए एडवांस ड्रॉ कर सकते हो और ये जो दस हजार रुपए हम एडवांस में ड्रॉ करेंगे आपको बाद में दस इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा दस दस इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट फ्री कोई इन पे ब्याज भी नहीं लगे पड़ेगा पे कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेना कि इसमें ग्रेड पे का जिक्र हुआ था इसमें बोला गया था वन टू एट यानी कि जो सी और डी कैटेगरी में एम्प्लॉई है उनको सिर्फ रेल का किराया मिलेगा रेल और बस ट्रैवल अलाउंस मिलता है जबकि जो ए ग्रेड और बी ग्रेड में आते हैं उनको हवाई जहाज का किराया दिया जाता है है ना मैंने बताया ना एक बंदे पे अगर पांच हजार रुपए का खर्चा होता है ट्रे, ट्रेन का और चार चार मेंबर है तो बीस हजार रुपए मिलते हैं तो ये जो ट्रेन है अगर जो ए और बी सी और डी ग्रेड के एम्प्लॉ हैं तो उनको सिर्फ मिलेगा किसका ट्रेन का और बस का लेकिन अगर आप ए और बी से बिलोंग करते हैं तो आपको किराया मिलेगा किसका दोस्तों एयर फेयर भी मिल जाएगा आपको प्लेम स्पेसिफिक देखोगे दोस्तों अबाउट एल स्कीम के बारे में देखना है आपको इसके इंपैक्ट क्या है इंडिविजुअल पर इसका सिग्निफिकेंस क्या स्कीम का यह भी देखना है मेंस के सवाल पे आते हैं दोस्तों मेंस स्पेसिफिक विशिष्ट सवाल क्या है मेंस का मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वुड बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड थ्री टाइम्स ऑफ द एलटीसी फेयर कॉम्पोनेंट फॉर परचेजिंग आइटम्स देन अट्रैक्ट विच अट्रैक्ट्स ट्वेल्व परसेंट ऑफ दी मोर जीएसटी इट इज सेम फॉर द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय इफ यस देन वाई एंड इफ नोट देन वाई नोट सजेस्ट योर ओपिनियन है ना आपको बात करनी है इसके ऊपर ठीक है आई थिंक हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों so, अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास और वो है आपका नाइट्रोजन पॉल्यूशन के ऊपर ठीक है नाइट्रोजन या मैं बोल सकता हूं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड पॉल्यूशन के ऊपर अगर हम बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड एंड ह्यूमन एस्टिमेशन ठीक है एनओ नाइट्रस ऑक्साइड ह्यूमन एस्टिमेशन एनो जो है वो एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है सभी लोग जानते हो और साथ ही साथ में अगर मैं एनो की बात करूं तो ये ओजोन डिप्लेशन के अंदर में एक सबस्ट्रेटा भी प्रोवाइड करती है नेक्रेरियस क्लाउड तो एक रिजर्वायर के रूप में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो एनो का जो लगातार जो एनओ का जो मतलब अगर बात करूं एनओ की मात्रा जो है हमारे पर्यावरण के अंदर वो लगातार बढ़ रही है आदमी के द्वारा मनुष्य के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड का जो एमिशन है वो लगातार बढ़ रहा है राष्ट्र है, हैं दोस्तों, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार है दोस्तों, और हमने ऑलरेडी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की नैरोबी के अंदर जो बैठक हुई थी फोर्थ समिट जो हुई थी उसके अंदर में हमने नाइट्रोजन के ऊपर में एक आपका जो कन्वेंशन है उसको भी अडॉप्ट कर लिया था भारत उन पहले देशों में जिन्होंने नाइट्रोस ऑक्साइड के ऊपर हुई मेंशन को अडॉप्ट किया था और हमने पहले ही बोल दिया था कि नहीं ये तो गलत चीज है और इसको हमें क्या करना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड को कम करना चाहिए क्या है इसके हार्मफुल इफेक्ट देख लेते हैं पहले मैं बता दूं नाइट्रस ऑक्साइड कहां-कहां से प्राप्त होता है दोस्तों फर्टिलाइजर और ये माना अरे हम ही तो डालते हैं फर्टिलाइजर खेत में खाद कौन डालता है प्रकृति थोड़ी नहीं डालती है। हम डालते हैं एक्स्ट्रा मैनुवर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो उससे फर्टिलाइजर आप डालते हो ना खाद में खेत में जो खाद डालते हो उससे आप उनहत्तर प्रतिशत क्या कर रहे हो दोस्तों वहां से आप नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो अगर मैं बात करूं एनिमल एनिमल मेन्यर ठीक है जो आपके घर में जो पशु बंधे हुए हैं ना वो जो गोबर वोबर करते हैं सात प्रतिशत उससे ना एनओ बन रही है ग्रीन मेन्य छह प्रतिशत क्रॉप रेजिड्यू ठीक है जो क्रॉप रेजिड्यू से अभी स्टबल बर्निंग हो रही है तो क्रॉप सॉइल मिनरलाइजेशन से आठ प्रतिशत एनओ NO बन, NO बन रहा है तो ये एनो NO है जो ह्यूमन आपका एंथ्रोपोजेनिक एनो प्रोडक्शन है जो मानव की वजह से आपका हो रहा है चलिए आगे बात करते हैं जीएस पेपर फोर के बारे में बात कर लेते हैं जीएस पेपर फोर में आ जाओ कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड असेसमेंट पेपर फोर का ये पार्ट है नाइट्रस ऑक्साइड क्या है टॉपिक नाइट्रस ऑक्साइड ह्यूमन एमिनेशन एमिशन कि ह्यूमन जो है मनुष्य जो है वो कितना नाइट्रस ऑक्साइड का जो आपका पॉल्यूशन है बेसिकली हम कितना कर रहे हैं उसके ऊपर ये न्यूज है उसके ऊपर हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं ठीक है पानी पी लेता हूं सांस चढ़ गया मेरे यार दो तीन दिन रुक जाओ करंट अफेयर के लिए ऐसा धमाका कर रहा हूँ ना मतलब आपको लगेगा कि भाई वाह ठीक है दो से तीन दिन आपको रुकना है तीन दिन रुको उसके लिए मैं बहुत जबरदस्त प्लान बना रहा हूँ करंट अफेयर के लिए ऐसा धमाका करंट अफेयर एडिटोरियल मतलब कुछ भी कुछ छोटेगा नहीं है आप चिंता मत करो बहुत तगड़ी चीज़ मैं तैयार कर रहा हूं ठीक है मतलब बहुत तगड़ा असला हम असला बारूद तैयार कर रहे हैं दो के लिए नाइट्रस ऑक्साइड ह्यूमन एमिशन क्या है और क्या नहीं है कॉन्टेक्ट समझते हैं ह्यूमन एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड टू ओ अ ग्रीन हाउस गैस थ्री हंड्रेड टाइम्स मोर पोटेंट देन द कार्बन डाइऑक्साइड देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस गैस क्या होती है आपको पता है है ना ये हमारी जो हार्मफुल uh, रेडिएशन उनको लोअर एटमोसफेयर में ट्रैप कर लेती है आपकी सॉरी हार्मफुल रेडिएशन बोल रहा हूं इंफ्रा रेडिएशन और इनसे लगातार आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करती कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 400 प्रतिशत तीन प्रतिशत खतरनाक है आपकी क्या नाइट्रस ऑक्साइड एन और इसकी कंसंट्रेशन लगातार जो है वो हमारे पर्यावरण में बढ़ती जा रही है उसके पीछे कारण क्या है आप आप कारण है इसके पीछे मैं कारण हूं इसके पीछे मनुष्य कारण है इसके पीछे है ना तो जानना तो पड़ेगा अगर आप नहीं जानोगे तो कुछ दिनों के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी 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 कि हमारे यहां पे ग्लोबल वार्मिंग भी उतना ही बढ़ जाएगा चलिए बात करते हैं दोस्तों कार्बन so, डाइऑक्साइड से 300 गुना खतरनाक है एंड ये 30 प्रतिशत तक आपका इंक्रीज हो चुकी है बिटवीन 1980s एंड टू थाउजेंड to अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर पब्लिश इन द नेचर दो और मैं नहीं बोल रहा है यार एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है नेचर के अंदर तो वहां से मैं बात कर रहा हूं 2020 के अंदर तो ये हमने देखा है कि लगभग 30 प्रतिशत जो है आपकी वो नाइट्रस ऑक्साइड एंड टू जो है वो बढ़ी है एस कंपेयर टू द कार्बन की पॉइंट क्या है इसके इट्स ग्लोबल कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ फ्रॉम 270 पार्ट्स पर मिलियन पहले 270 पीपीटी पहले 270 पीपीबी होता था पार्ट पर बिलियन मतलब एक बिलियन अगर हवा के कण हैं तो उसके अंदर में 270 कण किसके हुआ करते थे नाइट्र, नाइट्रस ऑक्साइड के एन2ओ के 201750 लेकिन अभी बढ़ के कितना हो गया दोस्तों 331 पीपीबी 1950 के अंदर में 270 होता था लेकिन अभी बढ़ के 331 पीपीबी हो गया पार्ट पर बिलियन 2018 के अंदर बीस प्रतिशत इसमें जंप देखा गया है बीस प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है दोस्तों किसके अंदर आपका आपका एन टू की नहीं बात यार, क्या होता है? सर, हमने ऐसी बहुत सारी चीज पहले भी पढ़ी है पीपीबी बीबीजी भी सुना होगा आपने है ना तो पीपीबी क्या होता है मैं बता देता हूं दोस्तों आपको पहले होता है पीपीएम भी होता है पीपीटी भी होता है अब पीपीबी भी देख लो एम का मतलब होगा मिलियन का मतलब क्या हो गया थाउजेंड और बी का मतलब अब क्या हो गया दोस्तों बिलियन पार्ट पर मिलियन मतलब एक मिलियन आपका अगर हवा है एक मिलियन अगर एयर के कण है एयर पार्टिकल है तो उसके अंदर अगर मैं लिखता हूं मैं पांच पीपीएम इसका मतलब उसमें पांच किसके कण है N2 के तो हो गया पांच पीपीएम अगर मैं लिख रहा हूं तीन सौ इकतीस बिलियन इसका मतलब पता क्या? एक बिलियन अगर मेरे पास हवा के एयर पार्टिकल है ना तो उसके अंदर में कितने होंगे हमने तो क्या देखा कि सत्रह सो पचास में मात्र कंसेंट्रेशन थी दो हजार दो सौ सत्तर लेकिन अभी के कितनी होगी दोस्तों तीन सौ इकत्तीस दो हजार अठारह के अंदर लगभग लगभग बीस प्रतिशत का जंप जो है यहां पर देखने को मिला है द ग्रोथ हैज बीन द क्विकेस्ट इन द पास्ट फाइव डिकेट्स बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एमिशंस और मानव किसकी वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एमिशन हमने ही तो बढ़ाया इसको और हमारे इस बढ़ोतरी की वजह से हमारे इस एमिशन इंक्रीमेंट की वजह से दोस्तों ये सब हो रहा है और क्या हो रहा है दोस्तों अगर मैं बात करूं आपका तो ये पिछले पांच दशक में आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है रिसर्च वॉर्ज कंडक्टेड थ्रू एन इंटरनेशनल कोलेबोरेशन बिटवीन द इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशियटिव इनिशिएटिव है और भारत जो इसका है भारत भी इसका सिग्नेट्री है समझना मेरी बात को द रिसर्च वॉर्स कंडक्टेड अभी जो रिसर्च कंडक्ट हुई है बताया गया है कि लगभग बीस प्रतिशत एनटीओ बढ़ गया है तो रिसर्च वॉज कंडक्टेड थ्रू एन इंटरनेशनल कोलेबोरेशन बिटवीन इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशियेटिव एंड द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ऑफ तो द फ्यूचर अर्थ पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम हिंदी वाले दोस्त हैं वो यहां से देखेंगे है ना अभी अभी जो PDF अभी दे मैं आपको अब नाइट्रोसऑक्साइड है कैंटू के बारे में जान लो थोड़ा सा nitrous, और साइट्रोस नाइट्रोसऑक्साइड क्या है नाइट्रोसऑक्साइड एक डेंजरस गैस है खतरनाक गैस है दोस्तों ठीक है और आदमियों के लिए अगर आदमियों को रहना है तो इस गैस को नहीं रहना है समझ रहे आप आदमियों के लिए ये बहुत खतरनाक है अगर आप चाहते हो मनुष्य अगर चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहें, तो इस गैस को इस पृथ्वी बाद में जो तीसरी सबसे ग्रीन हाउस गैस आपकी पाई जाती है वो क्या है आपका दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल आपको ग्रीन हाउस गैस पढ़ाया हुआ पता है आपको ग्रीन हाउस क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है N2, N2O एंटू कैन लिव इन दटमोस्र फॉर द हंड्रेड एंड ट्वेंटी एक सौ पच्चीस एंटू जो है आपके एनवायरमेंट में एक बार एंटू रिलीज कर दी तो वो आपके पर्यावरण में कितने दिनों तक रह सकती है आपको पता है वो आपके पर्यावरण में एक सौ पच्चीस साल तक रह सकती है हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ईयर तक वो आपका रह सकती है ठीक है डन ओके चलेगा इज आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाइक like और शेयर दो चीज है जो आपको करते रहना है एंटू इज ऑल्सो द ओनली रिमेनिंग थ्रेड टू द यार एनटू से ओजोन का क्या मतलब है सर मैं बता देता हूं एंटू जो है एक बेसिकली नाइट्रोजन जो है ना एक आपका ओजोन को एक रिजर्वायर में स्टोर करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी को आप एक बार ना मेरा ओजोन डिप्लेन का लेक्चर पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा अब एनटू एकमात्र ऐसा खतरा बचा है हमने ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को तो फेज आउट कर दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत में बट अब बचा क्या है सिर्फ और सिर्फ एनटू बचा है इसको भी हम इसको भी हम जकड़ दें ना इसको भी हम कम कर दें तो फिर हमारा जो नाइट्रोजन डिप्लेशन का खतरा है वो पूर्णतः क्या हो सकता है आपका कम हो सकता है ग्रोइंग कंसर्न हमारी चिंताएं क्या हैं बढ़ती हुई चिंताएं ये हैं दोस्तों द ग्रोइंग डिमांड फॉर द फूड एंड फीड फॉर द एनिमल विल फर्दर इंक्रीज द ग्लोबल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अभी देखो हमने बताया था फर्टिलाइजर से उनहत्तर प्रतिशत आपका इंड्यूस हो रहा है ठीक है उसके बाद हम जो फसल उगाते हैं एनिमल मेन्यूर आपका ग्रीन मेन्योर उनसे भी ये बन रहा है तो कम से कम अस्सी प्रतिशत तो जो है ना वो एनिमल रियरिंग की वजह से हो रहा है और लगातार हमारी फूड प्रोडक्शन की डिमांड और एनिमल फूड की डिमांड जो लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में पूरी पूरी संभावना है कि भविष्य में नाइट्रस ऑक्साइड की भी जो आपकी जो आउटपुट है उसको वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाएगा ज्यादा मात्रा में आपके एनवायरमेंट में आपकी जाएगी ठीक है दूसरी बात मोस्ट एंटू एमिशन हैव कम फ्रॉम इमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना एंड ब्राजील ये भी एक समस्या है दोस्तों और भारत भी एक इमर्जिंग कंट्री है तो ये भी हमारे लिए दोस्तों एक समस्या है समस्या क्या है दोस्तों कि लगातार एंटू का एमिशन जो है वो बढ़ रहा है और ये उन देशों से आ रहा है जो दोस्तों आपकी एक, आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज है इमर्जिंग इकोनॉमीज है भारत भारत उन्हीं में से एक है तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है अच्छा इसके लिए दोस्तों वे फॉरवर्ड क्या है आगे का रास्ता क्या है दोस्तों समझना पड़ेगा देर आर वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें ना तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें बहुत अच्छी प्रकार की और स्थापित तकनीक को यहां पे लेके आना पड़ेगा जिससे हम नाइट्रस ऑक्साइड को कम कर सके तो बहुत अच्छी तकनीक को हमें सामने लेके आना पड़ेगा पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छी तकनीक हमारे पास होगी तभी बात यहां पर बन पाएगी दूसरा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पॉलिसीज के अंदर हमें बदलाव करना पड़ेगा यूरोप में किया हुआ है साथ साथ में हमें डेवलपिंग नेशन के अंदर में भी करना पड़ेगा ताकि नाइट्रोजन का एमिशन जो है कम से कम हो पाए इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर पॉलिसी इन यूरोप रिड्यूस सच एमिशन कंसीडरेबली स्टिल फर्दर एफर्ट्स विल रिक्वयर्ड इन दूरोप एज वेल एज ग्लोबली आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों यूरोप में औद्योगिक कृषि नीतियों ने इस प्रकार के उत्सर्जन को काफी कम कर दिया है फिर भी यूरोप के साथ साथ विश्व स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जिससे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन जो है आपका वो क्या हो सके कम हो सके तो अभी भी हमें बहुत सारे कार्य करने हैं ठीक है हमने किया है काफी कुछ किया है बट दैट इज नॉट सफिशियंट वो सफिशियंट नहीं है हमें बहुत कुछ करना अभी क्या है दोस्तों बाकी है इंडिया हैज लेड द फर्स्ट एवर नाइट्रोजन रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द फोर्थ यूएन एनवायरमेंट असेंबली विद द हेल्प ऑफ द आई भारत ने नैरो के अंदर में जब पहला यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का असेंबली का जब पहली बार उन्होंने नाइट्रोजन रेजोल्यूशन लेके आए थे तो भारत ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है तो भारत एक जिम्मेदार देश है दोस्तों और भारत ने वो सब कार्य किए हुए हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड को कम करने के लिए आवश्यक है अब यार देखो कुछ काम मैं आपको भी कराऊंगा और वो काम क्या है दोस्तों नाइट्रोजन के ऊपर जो रेजोल्यूशन हुआ है ना सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट ये बताना है वैसे मैंने आपको जो अगस्त मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था पिछले साल वाला मैंने प्लस के ऊपर तो मैंने यहां पर इसके बारे में बताया था तो यहां पर एक तो श्रीलंका का नाम आएगा आपका दोस्तों और केन्या की कैपिटल जो है तो उसका उसकी भी बात आएगी दोनों के बारे में एक, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना आपको में सवाल पूछा जा सकता है एन ट्वेंटी क्या है जी ट्वेंटी सुनाया सर एन ट्वेंटी पता नहीं क्या है एन ट्वेंटी रीजन ऑफ इट्स इंक्रीज क्यों बढ़ता है इसकी इंक्रीज इंक्रीमेंट के पीछे रीजन क्या है किस प्रकार से ओजोन को ये हार्म पहुंचाता है ओजोन को नुकसान कैसे और क्यों पहुंचाता है ग्रोइंग कंसर्न रिलेटेड टू इट इससे संबंधित कंसर्न क्या है चिंताएं क्या है हमारी और ग्लोबल एफर्ट टू रिड्यूस इट्स एमिशन और क्या क्या ग्लोबल एफर्ट्स हैं जिसके द्वारा हम एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं एक बात मैं बता दूं दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था करंट अफेयर आज के टाइम पे हमारा यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा लाइव देखा जाने वाला शो है और मैं थैंक्स बोलता हूं दोस्तों आपके लिए इसको क्योंकि तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं काम कर पाऊं और एक बात मैं बताता हूं दोस्तों इस प्यार को बनाए रखो क्योंकि मैं आपके लिए सतत काम करने के लिए तैयार हूं पूरे करंट अफेयर के सॉल्यूशन के लिए एक ऐसी चीज लेके आ रहा हूं ना ना दोस्तों किसी किसी ने ने सोची है ना किसी ने देखी और ना कोई सोच पाएगा सबकी सोच से परे तुरंत पीडीएफ ऐसा नहीं कि पीडीएफ तुरंत पीडीएफ हर टॉपिक का डिटेल विश्लेषण हर टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझ उसकी यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट के, के हिसाब से उस पूरे टॉपिक के एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी तीन दिन का समय दो पूरी यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर के लिए आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है सिर्फ तीन दिन मांग रहा हूं आपसे तीन दिन और जो मैंने कहा है वो करके दिखाया दोस्तों आपको आज हमने करंट अफेयर इतना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं ठीक है इसके बाद में भी जो अभी मेरा जो नया इनिशिएटिव है इसके बाद में मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों करंट अफेयर में आपका कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको ठीक है चलो दोस्तों ये सब देख लिया इसमें प्रीलिम्स से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं अब आ जाते हैं मेन्स स्पेसिफिक मेंस में क्या आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द एन2ओ एमिशन इन द लास्ट फोर डिकेड्स केम फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर कमेंट यार एक बात बताओ जो ज्यादातर नाइट्रोजन बेस्ड पॉल्यूशन हमारा हो रहा है वो तो कृषि से हो रहा है ना कृषि और पशुपालन से ज्यादातर जो हमारा नाइट्रोजन बेस्ड जो पॉल्यूशन है ना वो दो ही चीजों से आ रहा है पहला एग्रीकल्चर और आपका एनिमल रियरिंग ठीक है हम चावल उगाते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा नाइट्रोजन वाले जो है आपका एमिशन होता है अब क्या मतलब इस बात ये बात सही है है ना इसके ऊपर आपको कमेंट करना है और देखो इस पर बहुत सारे आयाम आप इंक्लूड कर सकते हो जो आपका यूट्रोफिकेशन होता है वो भी नाइट्रोजनस और फास्फोरस जो फर्टिलाइजर है उनकी रनऑफ की वजह से होता है तो बहुत अच्छा आंसर आप इसके ऊपर लिख सकते हो और सारे जो रिलेटेड कॉन्टेंट है वो मैंने आपको कराए हुए हैं तो आप बहुत अच्छा आंसर इस पर लिख पाओगे संबंधित खोज हिंदी में दोस्तों मैंने बता दिया एन क्या है और एनओ के बढ़ने के कारण क्या है क्यों क्यों बढ़ता है दोस्तों ओजोन से इसको नुकसान कैसे होता है क्यों हमारी चिंताएं बढ़ रही है और वैश्विक उत्सर्जन के वैश्विक स्तर पर इस उत्सर्जन को कम करने के पीछे हमारे क्या क्या प्रयास जो हमने किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है मेन संबंधी सवाल क्या है पिछले चार दशकों में एन टू का उत्सर्जन जो है वो प्रमुख अनुपात उसका कृषि और अन्य क्षेत्रों संबंधी क्षेत्रों से आया है उसके पीछे के कारण क्या है उसके पीछे का कारण है नाइट्रोजन आधारित उर्वरक तो इसके ऊपर आपको दोस्तों टिप्पणी करनी है इसके ऊपर आपको कमेंट करनी है दोस्तों ये तो हुआ हमारे मेन टॉपिक ठीक है जो फोकस टॉपिक था बात है क्विक रिव्यू जल्दी से कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर रिव्यू करते हैं कौन कौन से पहली बात है दोस्तों कलेक्टिंग हिस्ट्री इन द स्टेप्स इसको हम बोलते हैं फिलाइटली आपका इसको बोलते हैं फिला फिल डे फ्लैटली डे क्या है दोस्तों फिलेटली डे क्या है अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 19 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 को हम नेशनल पोस्टल वीक है तो अभी हम फ्लैटली डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें क्या होता है पता है जितनी भी अभी तक हमने जो अपनी पोस्टल स्टैम्प बनाई थी ना अभी तक रिलीज किया उनका कलेक्शन कर रहे हैं हम है ना जितनी भी पोस्टल अभी तक हमने जारी की है, उनका जो है किया जा 15 2020 तक चल रहा है और इसी के दिनली डे की बात है फ्लैटली का मतलब क्या होता है कलेक्शन हो सकता है यार मैं इसको गलत प्रोनाशियट कर रहा हूं वो देख लेना आप तो इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों हमारी जितनी भी हमने पोस्टल स्टैंप जो अभी तक जारी किया उनका कलेक्शन करना उसको कलेक्ट कर रहे हैं हम है ना ताकि हम उनको स्टोर कर पाए उनको हम सेव कर पाए भविष्य के लिए फ्यूचर के लिए चलिए नेशनल फ्लेटली नेशनल फिलेटली डे क्या है द नेशनल फिलेटली डे इज बींग सेलिब्रेटेड टूडे थ्रू आउट द कंट्री आज जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे भारत के अंदर में नेशनल फ्लेटली डे जो है वो पूरे भारत के अंदर फ्लेटली का मतलब क्या होता है कलेक्शन ऑफ द पोस्टल स्टैंप जितने भी आज तक पोस्टल स्टैंप जो है वो जारी की गई है उनका कलेक्शन उसी को हम बोल रहे हैं दोस्तों आपका फ्लैटली डे नेशनल फ्लैटली डे तो नेशनल फ्लैटली डे अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है भारत के अंदर में अभी पोस्टल वीक भी हमारा चल रहा है इज द स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैंप एंड हिस्ट्री क्या है फ्लैटली फ्लैटली का मतलब क्या होता है दोस्तों डाक टिकटों को कलेक्ट करना उनको इकट्ठा करना और उनका अध्ययन करना उसी को हम बोल रहे हैं दोस्तों आपका फ्लैटली सो व्हाट इज द फ्लैटली डे नेशनल फ्लैटली डे इसके बारे में मैंने बता दिया आपको क्या होता है और क्या नहीं होता The day also marks the collection, appreciation, and research activities on the STEM and other philatelic products.

इमेज ऑफ द कस्टमर फोटोग्राफ इसमें कस्टमर के फोटोग्राफ भी थंबनेल के रूप में सेलिब्रेट बनाए जा रहे हैं और भारत की जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लोगों हैं इमेज है आर्टवर्क हेरिटेज बिल्डिंग टूरिस्ट प्लेस हिस्टोरिकल सिटीज वाइल्ड लाइफ अदर एनिमल्स ये सब के सब जो है इनके आधार पर भी टेम्पलेट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों टेक फॉर ट्राइबल देखो यार जो हमारे आदिवासी जो लोग हैं आदिवासी जो पीपल हैं हमारे आदिवासी जो हैं, जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं तो उनके लिए जरूरी है दोस्तों कि हम टेक्नोलॉजी लेके आए हम चाहते हैं वो भी आगे आए हमारी जो मेन स्ट्रीम जो आपकी सोसाइटी है मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट जो है मुख्य जो विकास की धारा है उनसे जुड़े और ऐसे में आवश्यक है दोस्तों की जो हमारे ट्राइबल भाई हैं ट्राइबल भाई बंधु हैं उनको भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराएं टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे ताकि उनकी भी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके वो भी समाज की जो मुख्य विकास की धारा है उनसे जुड़ पाएं, आगे और सामाजिक विकास के अंदर उनका भी बढ़ चढ़ के अंदर बढ़ चढ़ के वो अपना रोल भी प्ले कर पाए तो उसी के लिए मैं कुछ बता रहा हूं दोस्तों टेक फॉर ट्राइबल समझ गए होंगे टेक मतलब टेक्नोलॉजी फॉर द ट्राइबल मतलब आदिवासी ट्राइफेड जो है वो किसके अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर काम करता है ट्राइफेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन कोलैबरेशन विद्तीसगढ़ एम एफ पी फेडरेशन एंड आई आई टी कानपुर टेक फॉर ट्राइबल इन्होंने मिलकर टेक फॉर ट्राइबल लॉन्च किया है किसने मिलकर दोस्तों आपका ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ एमपीएफ फेडरेशन आई आई टी कानपुर इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया है कब लॉन्च किया दोस्तों ऑफ ऑफ अक्टूबर यानी कि कल से इसको लॉन्च किया कल ही से आईफोन भी लॉन्च हो गया है ना आई एम वेरी मच एक्साइटेड दोस्तों लेना है तो आईफोन के साथ साथ टेक फॉर ट्राइबल भी लॉन्च हो गया है अबाउट इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जानकारी ले लेते हैं द प्रोग्राम टाइटल टेक फॉर ट्राइबल एम्ड एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स विद अ फोकस ऑन एंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल आई टी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑपरेटिंग थ्रू द वन धन केंद्राज वीडीवीकेस सो so, इसके अंदर क्या किया जाएगा बेसिकली अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम के तहत में आपका जो ट्राइबल लोग है ना उनको टेक्नोलॉजी की समझ दी जाएगी टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाएगा तकनीक के बारे में समझाया जाएगा उनको है ना स्किल दी जाएंगी उनको है ना कुशलता उनको प्रदान की जाएगी आईटी के अंदर उनको बताया जाएगा उनको बताया जाएगा, जाएगा बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करना है थ्रू द स्वयं सहायता समूह के द्वारा है ना और ये सारा काम जो है वन धन विकास केंद्र जो है उनके द्वारा किया जाएगा जो वन धन विकास केंद्र है ना है ना उनके द्वारा ये सारा का सारा कार्य जो है किया जाएगा सारी सारी स्किल उनको प्रोवाइड कराई जाएगी अंडर दिस इनिशिएटिव इस इनिशिएटिव की मैं बात कर रहा हूं तो अंडर दिस इनिशिएटिव ट्राइफेड हैज टाइड अप रेप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूशन सच आई टी कानपुर आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर टेस्ट मुंबई ठीक है किस भुवनेश्वर ठीक है आपका उसके बाद विवेकानंद केंद्र तमिलनाडु एंड श्रीजन राजस्थान तो इसके अंदर में जो हमारी ट्राइफेड है ना उसने बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ में कोलैबोरेशन भी किया तो अकेला नहीं है वो बहुत सारे संस्थान के साथ में कोलेबोरेट करके वो आगे आ रहा है दे विल बी कंडक्टिंग दी वन धन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केरला महाराष्ट्र उड़ीसा तमिलनाडु एंड राजस्थान तो अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग जगह पर इनके प्रोग्राम जो है वो उनको इंप्लीमेंट करेंगे दोस्तों एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं आर्थराइट्स ठीक है आर्थराइट्स के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा ये बेसिकली ज्वाइंट की प्रॉब्लम है दो प्रकार का अर्थराइट होता है एक तो ये होता है दोस्तों आ, इसको हम बोलते हैं ना दो प्रकार का बाकायदा मैंने इसको दिखा भी दिया है डायग्राम से है ना यहाँ पर तो कुछ वाइट वाइट जो होता है ये नहीं है बट डॉक्टर तो हूं नहीं मैं बाकी इसमें कुछ वाइट वाइट होता है ये गायब हो गया ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं है इसमें तो ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है और इसमें तो बस कुछ बचा ही नहीं है इसमें तो खून और जमा होने लग गया है साइड के अंदर यहाँ पे और ज्वाइंट बिल्कुल सील हो गए हैं तो देखो बिल्कुल जुड़ गए हैं ना तो ज्वाइंट बचा ही नहीं खत्म हो गया है हिंदी में मतलब नॉर्मल भाषा में तो बोलते ग्रीस खत्म होगी हमारी है ना घुटनों की सुना है ना बात कहता हैं भाई घुटनों की ग्रीस खत्म होगी तो आर्थराइट्स कुछ इसी प्रकार की बीमारी है तो अभी वर्ल्ड आर्थराइट्स डे जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है अक्टूबर बारह को पूरे भारत के अंदर वर्ल्ड आर्थराइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था अब ये उन्नीस से मना रहे हैं हम है ना इस बार का जो थीम क्या है वो क्या है दोस्तों थीम है टाइम टू वर्क काम करने लग जाओ बस ठीक है देखिए वो पायरेट ऑफ कैरिबियन निकम्मो काम पे लग जाओ तो बस यही है टाइम टू वर्क काम पे लग जाओ अबाउट इट वर्ल्ड आर्थराइट डे जो है इज ऑब्जर्व टू रेज द वे अब देखो कोई भी दिन जब मैं सेलिब्रेट करता हूं मैं मेरे ख्याल में चार हजार बार बता चुका हूं किसी भी दिन को सेलिब्रेट करने का पर्पज़ क्या है अवेयरनेस फैलाना आज से 50 साल के बाद में जब वर्ल्ड सुमित डे बनाया जाएगा ना तो उसका मतलब क्या होगा उस दिन सुमित राठी सर के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी है ना कौन थे कैसे मैं बता रहा हूं अगर मैं हम कभी सुमित राठी डे सेलिब्रेट करेंगे आज से पचास साल बाद में तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि अवेयरनेस जनरेट की जाए मेरे बारे में बताया जाए कि कौन थे वो महान आदमी क्या किया उन्होंने छात्रों के लिए है ना तो ये अवेयरनेस जो है वो जनरेट की जाएगी आपके बीच में कोई भी डे सेलिब्रेट करने के पीछे का उद्देश्य यही होता है आर्थराइड जो है वो एक सिंगल डिजीज नहीं है ठीक है ऐसा मत मानना कि माननाइड्स आपने मतलब कोई सिंगल डिजीज नहीं जी ये सिंगल डिजीज नहीं है दोस्तों ये डिजीज बहुत सारे रोगों का कलेक्शन है बहुत सारी बीमारियों का एक कलेक्शन है दोस्तों मोर देन हंड्रेड डिफरेंट कंडीशन दैट अफेक्ट द ज्वाइंट टिश्यूज अराउंड जॉइंट एंड द अदर कनेक्टिव टिश्यूज बहुत सारी बीमारियों का इकट्ठा स्वरूप है जिसको हम आथराइट बोलते हैं कंडीशन आर एसोसिएटेड विद द ज्वाइंट स्टिफनेस इसमें होता क्या है दोस्तों आपकी जॉइंट जो है ना आपके घुटने जो है वो थोड़े स्टिफ हो जाते हैं ठीक है थीके? इसमें आपको ज्वाइंट स्टिफनेस होती है पहली बात ज्वाइंट स्टिफनेस होती है ज्वाइंट स्टिफनेस पेन इन्फ्लेमेशन एंड द मोर कॉमन सीन इन द गर्ल्स

टू मोस्ट कॉमन टाइप्स आर दो मोस्ट कॉमन है मैंने बता दिया आपको ओस्टिथराइट्स और आपका रोमेनोटाइट्स पहले बता चुका हूं ठीक है हाउ आर कॉन्ट्राइडे टू वर्क मोस्ट पीपल्स इज नॉट जस्ट अ डिजीज सीन इन एल्डरली सम टाइप ऑफ कैन यू एट एन एज स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड अब ऐसा नहीं है हम जनरली सोचते क्या कि आर्थराइट जो होता है वो बुढ़ापे में ही होता है ठीक है ऐसा नहीं आर्थराइट मतलब गठिया गठिया तो सुना होगा ना अब ये मत सोचना गठिया सिर्फ बुढ़ापे में होता है नहीं बुढ़ापे में नहीं होता ये कभी भी हो सकता है समझ में आ रही बात ठीक है ये कभी भी हो सकता है कभी भी आपको हो सकता है तो इसके बारे में याद रखना सिर्फ बुजुर्गों को होने वाली बीमारी नहीं है ये किसी भी एज में आपको भी हो सकती है तो आप भी सतर्क रहें अगली बात करते हैं दोस्तों नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू लुक आफ्टर दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या होता है एनएसएम के बारे में आपको देखना पड़ेगा ठीक है ना थर्टी थर्ड दिसंबर 2020 वाह सोनम यादव 22 गजब आगे बढ़ते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या होता है समझ लो दोस्तों तो ये भी बता ही देता हूं मैं आपको बताइए न्यूज न्यूज में क्यों है पहले समझो फिर देखो फिर बात करते हैं इसके बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचुपल्ली हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिपल्ली भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा बनने के लिए प्रक्रिया में आधुनिक सुपर कंप्यूटर का एक राज्य जो है बेसिकली इन्होंने क्या किया ना नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ जो तिरुचुपल्ली है उन्होंने जापन समझौता सम्झोत, समझौता किया किसके साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक के साथ मिलकर ठीक है सीडैक के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सीडैक पुणे के साथ मिलकर किसके लिए फॉर इंस्टॉलिंग अ स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर इन द प्रोसेस टू बिकमिंग ताकि भारत में ना न जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है संस्थान है वहां पर आपका सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा सके तो उसी के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर साइन हुआ है इसके लिए दस केंद्र दो सरकार द्वारा फंडित जो इंस्टीट्यूशन है ना उनको चुना गया है इसके लिए और वो कौन है वो यहां पर लिखे हुए हैं ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों टू एम्पावर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज डैट कैन बी यूज सॉल्विंग सोशली रेलिवेंट कंप्यूटेशनल इंटेंसिव प्रॉब्लम इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे संस्थान है उनको इससे जोड़ा जा सके और जो डे टू डे में रोजमर्रा में जो सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं उनका समाधान जो है वो खोजा जा सके

करंट अफेयर के लिए सिर्फ तीन दिन का वेट करना और बाकी है बहुत धमाकेदार चीज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं बहुत धमाकेदार सो so, मेरे साथ बने रहिए मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों दोनों ही चैनल्स पर और आपको पता है कि जल्द ही जो है हम आपके लिए कुछ और भी लेके आ रहा हूं मैं आपका और ज्योग्राफी वन ओ वन के ऊपर मैं एक नया प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहा हूं और प्रोग्राम होगा गुरुकुल प्रोग्राम जिसके बारे में बता ही चुका हूं कई बार तो बहुत जल्दी वो भी आप देखने वाले हो साथ ही साथ आप मेरे साथ अन ऐप पर भी जुड़ोगे क्योंकि यहां पर मैं 2021 के लिए बहुत जल्दी कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं अभी क्यों जुड़े क्योंकि यार अन की फीस जो है वो बढ़ने वाली है तो आप ही जाइए फटाफट से आप डाउनलोड करके गोल्ड में जाओ और सब्सक्राइब कर लो इसको गेट सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों एक साल या दो साल मैं सजेस्ट करूंगा दो साल का क्योंकि यूपीएससी की तो तैयारी की जो प्रक्रिया है वो दो साल का साइकिल लगभग डेढ़ साल से ऊपर का साइकिल है तो दो साल मैं सजेस्ट करूंगा दो साल बट आप अपनी इच्छा से जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो साथ ही साथ में दोस्तों जो भी बच्चे रिन्यू करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन एक बार मेरे से जरूर इस पे वार्तालाप करें और जो सुमित टेन रेफरल कोड है आप इसका इस्तेमाल करें तो मेरा कोड क्या है दोस्तों सुमित टेन तो आप सभी जब भी एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे आप कोड यूज करेंगे सुमित टेन सुमित टेन कोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपके पास में मौका रहेगा मेरे साथ और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ जुड़ने का उम्मीद करता हूं मेरी बात आप तक पहुंच पाई होगी नाउ दिस नॉट वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच